का दौर जारी है और इस पूरे मामले में अपडेट क्या है वो आपको बता दें। अटल जी की सेहत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बस कुछ ही देर में एम्स से जारी होने जा रहा है मेडिकल बुलेटिन, जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एम्स पहुंचे हुए थे, हालांकि वो वहां से निकल गए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अभी भी वहां पर मौजूदगी है। जेपी नड्डा के अलावा और भी कई बड़े नेता हैं जो एम्स में इस वक्त मौजूद हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एम्स में जाकर अटल जी से मुलाकात की है। उनकी सेहत के बारे में और ज्यादा जानकारी डॉक्टर्स से ली है। मायावती भी अभी एम्स पहुंची हैं। बीएसपी की मुखिया मायावती भी अभी एम्स पहुंची है। आपको बता दें मायावती के साथ बीजेपी ने गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी और मायावती भी इस वक्त एम्स में पहुंची है डॉक्टर्स से हालचाल जानने के लिए। और इस तरह से लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे ही मेडिकल बुलेटिन जारी होगा उसकी बड़ी बातों के साथ नेहा मैं फौरन आपके पास आऊंगी। नेहा बिल्कुल, तो मेडिकल बुलेटिन का हमें इंतजार है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी एम्स पहुंचे हैं। अलग अलग नेताओं, राजनेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों का आना जारी है। सीधे आपको एम्स लेकर चलते हैं। सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त एम्स में ही मौजूद है। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता वहां है। अंकित, ताजा जानकारी क्या मिल रही है? जी, इस वक्त हमारे साथ विकास जुड़ गए हैं। विकास की जो है कई लोगों से अभी बातचीत भी हुई है। विकास से ही सीधे जानते हैं। विकास, आप लगातार लोगों से संपर्क में हैं। कहा जा रहा था कि 5:30 बजे के बाद में कभी भी मेडिकल बुलेटिन आ सकता है, अब क्या लेटेस्ट अपडेट? ये देखिए, अभी स्थिति जो अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, सुकून देने वाली नहीं है। लेकिन हम दुआ कर रहे हैं और पूरा देश दुआ कर रहा है कि वाजपेयी जी की तबीयत अच्छी हो जाए, वो फिर से स्वस्थ हो जाए। लेकिन मैं आपको 2-3 घंटे पहले का वाक्य बताता हूँ कि एक दौर ऐसा आया था जब वाजपेयी जी की हार्ट बीट तकरीबन डूब चुकी थी, मतलब ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वो फिर से रिवाइव की और फिर लगा डॉक्टरों को उम्मीद जागी कि वाजपेयी जी शायद फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो भी रिस्पॉन्ड करना उन्होंने शुरू किया था, तो एक उम्मीद की किरण जगी थी। लेकिन अभी फिर से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक बार फिर से वाजपेयी जी की तबीयत में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई है, गंभीर बनी हुई है। तो इंतजार हो रहा है कि डॉक्टर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि अब 5:30 बजे के आसपास बताया गया था कि हेल्थ बुलेटिन आएगा, देखते हैं उस बुलेटिन में क्या होता है। इसके साथ ही मैं, आप 2-3 घंटे पहले की बात कर रहे हैं, 3 घंटे पहले करीबन पीएम भी यहाँ पर मौजूद थे, क्या ये उसी दौरान के आसपास के वाक्य आप बता रहे हैं? जी हाँ, देखिए लगभग उसी दौरान का वाक्या है। उस समय पीएम थे या नहीं थे ये जानकारी नहीं है, लेकिन एक दौर ऐसा आया था, हमें डॉक्टर्स ने बताया है, कि जब उनके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका उन्होंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, हार्ट बीट लगभग शून्य के आसपास थी, लेकिन फिर से रिवाइव किया कुछ ही मिनटों के भीतर और हार्ट बीट फिर से नॉर्मल हो गई थी, पल्स रेट फिर से नॉर्मल हुआ था। तो एक उम्मीद की किरण जगी थी उस समय कि शायद वाजपेयी जी फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसको उससे भी जोड़ के देख सकते हैं जो लगातार कहा जाता है कि दवा तो काम जो है जितना कर रही है कर ही रही है, लेकिन दुआ बहुत जरूरी है। शायद ये दुआ का ही असर, जिसको अगर हम उसको उस तरह से जोड़ के देखें। जी हाँ बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि जब दवा नाकाम हो जाए तो दुआएं करिए। तो देश भर में समय वाजपेयी जी के लिए दुआएं हो रही हैं, देश भर से उनके लिए दुआओं के हाथ उठ रहे हैं, हवन हो रहे हैं, पूजन हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा माना जा सकता है कि जो बीच में रिवाइवल हुआ था 2-3 घंटे पहले, उनकी हेल्थ में सुधार आया था, वो शायद उन दुआओं का असर था, उन दुआओं का असर था। इसके अलावा मेडिकल बुलेटिन को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा ने भी करीबन 4 बजे कहा था कि कुछ देर बाद, तो 5:30 हो चुका है, कोई अपडेट की कब कितनी देर में है, अभी और इंतजार करना पड़ेगा? ये देखिए बिल्कुल, डॉक्टर्स लगातार नज़र बनाए हुए हैं, 3-4 डॉक्टरों की एक टीम है जो लगातार वाजपेयी जी के हेल्थ पर नज़र रखे हुए हैं। वो रिव्यू अपने रिपोर्ट्स देंगे, क्योंकि चूंकि ये सब सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो जब उनके रिव्यू कंप्लीट हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब स्टेबल हो रहा है, तब फिर वो अपनी रिपोर्ट आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद मेडिकल बुलेटिन जारी होता है। तो ये 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है, मेडिकल बुलेटिन जिसको जारी करना है वो अलग डिपार्टमेंट है, और जिसको हेल्थ का रिव्यू करना है और हेल्थ पर नज़र रखनी है वो अलग डिपार्टमेंट है। तो हो सकता है कि डिले हो जाए मेडिकल बुलेटिन, हो सकता है कि टाइम पे आ जाए, हालांकि टाइम तो बीत चुका है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्दी हेल्थ उम्मीद की जा रही है, क्योंकि विकास ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। एक वक्त ऐसा आया जब अटल जी की जो हार्ट बीट थी एकदम जो है डाउन हो गई थी, लेकिन उसके बाद में दोबारा रिवाइव की है, और इसी वजह से डॉक्टर्स लगातार एक पैनी नजर बनाए हुए हैं, पल पल जो है उनके लगातार कई सारे टेस्ट हो रहे हैं, उस टेस्ट की रिपोर्ट आती है, उसके बेसिस पर एनालाइज किया जाता है कि अभी क्या कंडीशन है। और इस वजह से हम तो यहां बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी मेडिकल रिपोर्ट, लेकिन डॉक्टर्स के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो रिपोर्ट्स किस बेसिस पर तैयार होती हैं, उसके लिए प्रॉपर चेकअप होते हैं। और विकास जो लगातार डॉक्टर्स के संपर्क में है, लगातार जो राजनीतिक यहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर मायावती भी पहुंची हैं, शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं और रमन सिंह भी पहुंचे हैं। तो इस तरीके से एक और मेडिकल बुलेटिन यहाँ पर आया है, मेडिकल बुलेटिन आया है, विकास से बात करते हैं।
विकास, अभी कोई मेडिकल बुलेटिन आ गया है? जी हाँ, अभी मेडिकल बुलेटिन आया है और उस मेडिकल बुलेटिन में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। इस मेडिकल बुलेटिन में आ गया है और जो है अच्छी खबर की नहीं मिल रही है, कुछ इस तरीके से जानकारी सामने आ रही है। और फिलहाल उस मेडिकल बुलेटिन में क्या लिखा गया है हम आपको एकदम जो पढ़ के भी बताएंगे। और एक तरीके से वो जो है जो दुखद खबर जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा था वो शायद मेडिकल बुलेटिन में आ गया है। यहाँ पर लोगों के पास में विकास भी लगातार अपने सूत्रों से बातचीत कर रहे हैं। वो मेडिकल बुलेटिन जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा था कुछ लोगों के पास में आ गया है एम्स की तरफ से। हम भी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और उस मेडिकल बुलेटिन में क्या लिखा गया है वो भी बताएंगे। और विकास भी लगातार अपने सूत्रों से बातचीत कर रहे हैं और उस मेडिकल बुलेटिन की एक एक लाइन काफी महत्वपूर्ण है। और उसमें यही बताया गया है कि लगातार उनकी जो है पिछले 36 घंटों से लगातार अटल जी की तबीयत लगातार तबीयत खराब हो रही थी। बहुत दुखद खबर है ये पूरे देश के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी हमारे बीच नहीं रहे, ये इस वक्त की सबसे बड़ी और बुरी खबर है पूरे देश के लिए। ये नहीं चाहता था देश की हो, दुआएं हो रही थी, लेकिन एम्स में अटल जी ने अंतिम सांस ली है हमारे बीच। इस देश का एक बहुत बड़ा और गौरवान्वित करने वाला राजनीतिक व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में नहीं रहा। यह दुखद खबर एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को दे रहा है। 94 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, अंतिम सांस ली है अटल बिहारी वाजपेयी ने। उनके मेडिकल बुलेटिन का इंतजार हो रहा था, लेकिन इस वक्त ये दुखद खबर सामने आ रही है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। एम्स की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी, आज सुबह से दुआओं का दौर चल रहा था, दवाएं दी जा रही थी। 94 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने अंतिम सांस ली। एम्स में उनका इलाज पिछले 9 हफ्तों से चल रहा था, लगातार ये उम्मीद हो रही थी कि बीच में शायद स्थिति सुधरेगी, सेहत उनका साथ देगी, वो रिवाइव होकर आएंगे। लेकिन इस वक्त की दुखद खबर एक राजनीति में बड़ा शून्य जो खबर लेकर आई है वो ये कि एम्स में अटल बिहारी वाजपेयी ने अंतिम सांस ली है। 94 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी के निधन की ये बेहद दुखद खबर, और यकीन मानिए पूरे देश के लिए बहुत बड़े खालीपन और शोक का विषय ये, क्योंकि अटल जी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, उनका जुड़ाव जन जन से था, अपने अलग अलग तरीके से था। हम आपको एक बार अंकित के पास भी ले जाएंगे, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर जो हम दे रहे हैं पूरे राष्ट्र के लिए, 125 करोड़ भारतीयों के लिए दुखद खबर है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, 3 बार जिन्होंने देश को प्रधानमंत्री के तौर पर दशा और दिशा दी, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे हमारे बीच। सीधे मैं जाना चाहूंगी एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता के पास। अंकित, बेहद दुखद खबर, अटल जी नहीं रहे। जी बिल्कुल, 5:05 पर अटल जी ने आखिरी सांस ली है। ये जो एम्स की तरफ से जो रिलीज जारी किया गया है इसको मेडिकल बुलेटिन तो नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे कि एम्स की तरफ से एक जानकारी दी गई है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है, इट इज़ विद प्रोफाउंड ग्रीफ डेट वी इन्फॉर्म डेट अबाउट द सैड डिमाइस ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी एट 5:05 PM ऑन 16/8/2018। मैं कैमरा पर्सन प्रेमचंद शर्मा के जरिए आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो रिलीज है जो एम्स की तरफ से दिया गया है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 5:05 पर अटल जी ने आखिरी सांस ली थी। और फिलहाल जो है ये वो जो है मेडिकल बुलेटिन जिसका हम जो उम्मीद कर रहे थे कि 5:30 बजे के आसपास कोई जानकारी आएगी। विकास, लेकिन इतनी दुखद खबर की हम में से कोई नहीं चाहता था कि दुखद खबर हमें सुनने को मिले। अंकित, जैसा अंकित ने बताया 5:05 पर अंतिम सांस ली है अटल जी ने। न्यूज रूम जाना चाहूंगी मैं, चित्रा वहां हमारे साथ मौजूद हैं। चित्रा, प्रेस रिलीज के माध्यम से ये दुखद खबर जो हम सबके पास आई, अटल जी नहीं रहे। ये बेहद दुखद खबर है नेहा हम सब के लिए, क्योंकि हम सब न सिर्फ आज सुबह से बल्कि जब से वो हॉस्पिटल में भर्ती थी, जब से वो एम्स पहुंचे थे तब से हम दुआ कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखिए, ये डॉक्टर प्रोफेसर आरती विज जो कि चेयरपर्सन है मीडिया एंड प्रोटोकॉल डिवीजन की एम्स की, उनकी ओर से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसकी एक कॉपी मेरे पास है। इस वक्त मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आज शाम 5:05 पर 16/8/2018 की तारीख भी इसमें मेंशन है, शाम 5:05 पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आखिरी सांस ली है। 11/6/2018 से ही एम्स में वो भर्ती थे, यानी कि तकरीबन 66 दिनों से एम्स में वो भर्ती थे, लेकिन
9 वीक्स यानी कि 9 हफ्ते हो चुके थे, डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए थी, लेकिन हम सबके लिए ये बेहद दुखद है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। लास्ट 36 घंटे से उनकी सेहत लगातार बिगड़ती हुई चली गई और आज शाम 5:05 पर 16 तारीख की ये शाम जब 5:05 पर देश के 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी 94 साल के, जिन्होंने आखिरी सांस ली है अब से कुछ ही देर पहले, शाम 5:05 पर उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली। पहली बार 1996 में 13 दिनों के लिए वो देश के प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार 1998 में जब वो प्रधानमंत्री बने 13 महीने उन्होंने सरकार चलाई, और जब तीसरी बार देश की सेवा का उन्होंने मौका मिला तो 24 दलों के साथ मिलकर उन्होंने पूरे 5 साल तक एनडीए की सरकार चलाई। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ऐसी शख्सियत, एक महान व्यक्तित्व, एक ऐसा नेता जिसको न सिर्फ पक्ष बल्कि विपक्ष या फिर आम लोगों की बात करें, चाहे वो खास लोगों की बात करें, हर कोई अपने आप को संबद्ध करता था अटल बिहारी वाजपेयी से, जोड़ता था अपने आप को। आपको बताते हैं अटल जी ने 1955 में जब पहला चुनाव लड़ा था उस वक्त वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 10 बार लोकसभा जीते वो, 2 बार राज्यसभा से चुनकर वो देश के सदन में पहुंचे और हिंदुस्तान को एक नई दिशा की ओर आगे ले जाने का काम भी जब परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था 11 और 13 मई को, ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। एक तरफ मृदुभाषी शख्सियत के रूप में उनकी पहचान थी तो दूसरी तरफ एक ऐसे सख्त नेता और प्रशासक जिन्होंने परमाणु परीक्षण जैसा बहुत बड़ा कदम उठाया था, जिसके बाद विश्व के कई देशों ने हम पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन हमने बतौर देश पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज हिंदुस्तान जहां पर खड़ा है नेहा, जाहिर तौर पर उसमें बहुत बड़ा योगदान अटल बिहारी वाजपेयी का है। और सबसे महत्वपूर्ण ये 1980 में जिस भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, 1984 में इस पार्टी ने 2 सीटें जीती थी, उस पार्टी को इतने बड़े मुकाम पर लाने वाले, यहां तक पहुंचाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। और यही वजह है कि अक्सर जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखते हैं सामने, उस वक्त वो अटल जी की बातों का जिक्र जरूर करते हैं। और जो बात आप कह रही हैं चित्रा, वो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, 16 घंटों में 2 बार मिले थे प्रधानमंत्री मोदी और वो कह रहे हैं कि वो शून्य में है, अटल जी के निधन से शून्य में है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। उनके दुख का अंदाजा इन शब्दों से, इन वाक्यों से लग रहा है। आज दोपहर को अटल जी से मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 16 घंटे में दूसरी बार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी, और अब उनकी प्रतिक्रिया जहां वो कह रहे हैं अटल जी के निधन से शून्य में हूं। अटल जी की हालत लगातार खराब हो रही थी 36 घंटे से, जैसा कि प्रेस रिलीज में भी कहा गया, लगातार जिंदगी मौत के बीच वो झूल रहे थे, लेकिन मेडिकल बुलेटिन में ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद उम्मीद की एक किरण नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, आज दोपहर को अटल जी से मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब वो एम्स गए थे, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अटल जी के निधन से शून्य में हूं। प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज भी तब देखने वाली थी जब वो 45 मिनट तक आज दोपहर ही, अब से कुछ घंटे पहले ही मुलाकात करके अटल बिहारी वाजपेयी से बाहर आए थे, उनके डॉक्टरों से उन्होंने बात की थी, और अब शाम होते होते ये बेहद दुखद खबर जो आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, क्योंकि उम्मीद अटल जी के स्वास्थ्य लाभ की जा रही थी। इस दुखद और दर्दनाक खबर कि किसी को भी, कोई नहीं चाहता था कि यह खबर उन तक पहुंचे। आज दोपहर को अटल जी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने पहुंचे थे और अब अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर पीएम ने कहा है कि अटल जी के निधन से शून्य में हूं। तो दिल्ली के एम्स में अटल जी का निधन हुआ, आज शाम 5:05 पर अंतिम सांस उन्होंने ली है। एबीपी न्यूज सुबह से आप तक उनकी सेहत से जुड़ी हर अपडेट पहुंचा रहा था और हमारी कोशिश यही थी कि हमें यह आखिरी विदाई अटल जी को यूं ना देनी पड़े, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, सिर्फ एक कवि नहीं थे, सिर्फ एक साहित्यकार नहीं थे, सिर्फ एक पत्रकार नहीं थे, सिर्फ एक मुखर वक्ता नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने से पहले की पीढ़ी, बाद की पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, सब कुछ हुआ किसी ना किसी तरह से। अटल जी के निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है कि अटल जी के निधन से शून्य में हूं। आप अंदाजा लगा सकते हैं नरेंद्र मोदी के लिए ये कितने ज्यादा दुख का क्षण है और इसमें पूरा देश एक साथ है उनके। सीधे एक बार फिर से चलते हैं चित्रा के पास। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्विटर के जरिए जो अपनी बातें कही गई हैं वो तो हम दिखा ही रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो लगातार आज सुबह से एम्स में मौजूद थे, उनकी ओर से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं।
अमित शाह जी का ये ट्वीट अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण देश संगठन व विचारधारा को पूर्णतः समर्पित कर देना इतना आसान नहीं होता। अटल जी को हम सब ने एक आदर्श स्वयंसेवक, समर्पित कार्यकर्ता, कवि, ओजस्वी वक्ता व अद्भुत राजनेता के रूप में देखा है। इसके बाद उनका अगला ट्वीट आता है, भाजपा के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष के नाते उन्होंने संगठन को अपने तप और अथक परिश्रम से सींच कर एक वट वृक्ष बनाया। उसके बाद एक और ट्वीट उनका आता है, अटल जी की छवि इस देश के एक ऐसे जनप्रिय राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरी जिसने सत्ता को सेवा का माध्यम माना और राष्ट्रहितों से समझौता किए बगैर बेदाग राजनीतिक जीवन जिया, और यही वजह रही कि देश की जनता ने अपनी सामाजिक और राजनीतिक सीमाओं से बाहर जाकर उन्हें प्यार और सम्मान दिया। अमित शाह की ओर से ये ट्वीट किया गया है। देखिए दो और ट्वीट है, मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। जहां एक तरफ अटल जी ने विपक्ष में जन्मी पार्टी के संस्थापक व सर्वोच्च नेता के तौर पर संसद और देश में एक आदर्श विपक्ष की भूमिका निभाई, वहीं प्रधानमंत्री के रूप में देश को एक निर्णायक नेतृत्व भी प्रदान किया। अटल जी ने अपने विचारों और सिद्धांतों से भारतीय राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी। और ये दो मिनट पहले का उनका ट्वीट है, विचारधारा के लिए समर्पित एक स्वयंसेवक व संगठन के एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में अटल जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक ऐसे विरले राजनेता, प्रखर वक्ता, कवि और अभिजात देशभक्त भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन न सिर्फ भाजपा बल्कि पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। और ये जो बात अमित शाह की ओर से कही गई है, वास्तव में ये पूरी तरह से सच है कि हिंदुस्तान के लिए ये अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई किसी भी रूप में नहीं हो सकती। और अटल जी की वो कविता इस वक्त पर याद आती है, ठन गई मौत से ठन गई, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नेहा कि वो जीत नहीं पाए। नेहा, बिल्कुल ये बहुत दुखद है चित्रा। उन्होंने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, आखिरी वक्त तक मौत से वो लड़ाई लड़ते रहे और हार एक शायद एक तरह से हुई भी नहीं उनकी, क्योंकि अमर रहेंगे अटल, लोगों के दिलों में वो किस कदर बसते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट से आप अंदाजा लगाइए उनके जाने से कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं जिन शब्द हूं शून्य में हूं, लेकिन भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी हमारे बीच नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे कह रहे हैं, अपने जीवन का प्रत्येक पल उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। उनका जाना एक युग का अंत है। वाकई में एक युग का अंत है, एक ऐसा युग जिसमें राजनीति में वो दीवारें नहीं होती थी जो आज देखने को मिल रही है। अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि क्या पक्ष, क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, पार्टी लाइन से हटकर नेता उनको नमन करते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनका आदर करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे हमारे बीच। आज शाम 5:05 पर एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो कई घंटों तक आज एम्स में रहे, उन्होंने कहा है अटल जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन हर भारतीय को, हर कार्यकर्ता को हमेशा मिलता रहेगा। चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, ये भारतीय जनता पार्टी के दूसरी पीढ़ी के वो नेता रहे जिनको आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी की रही, जो खुद अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं। अमित शाह आगे कहते हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके हर स्नेही को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। तो भावनाओं का एक ज्वार, एक सैलाब सा उमड़ पड़ा है, क्योंकि आखिरी विदाई दी जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि आज सुबह से पल पल हर क्षण जब ये कोशिश हो रही थी कि दुआओं के जरिए और दवाओं के जरिए अटल जी की सेहत में सुधार आए, तब हम में से कोई ये नहीं चाहता था कि इस तरह से अटल जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ ये आखिरी विदाई संदेश हमें उन्हें देना पड़ेगा। अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था, वो भले ही एक दशक से सक्रिय राजनीति से दूर थे, लेकिन सिर्फ उनके होने मात्र से एक संदेश जाता था कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखता था, वो अटल बिहारी वाजपेयी अब भी हमारे बीच हैं। लेकिन आज शाम 5:05 पर अंतिम सांस ली अटल जी ने, और उसके बाद ये दुख भरी खबर जो एम्स ने सार्वजनिक की कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच अब नहीं रहे। देखिए अब यादों के वो पल, यादों की ये तस्वीरें आपके सामने। एक बड़ा लंबा राजनीतिक करियर रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का। 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो जुड़े, बहुत ही कम उम्र उनकी थी, युवा थे वो जिस दौरान वो पहली बार सांसद बने। एक लंबा सफर तय करते हुए विपक्ष की तरफ बैठकर नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निभा करके फिर वो देश के प्रधानमंत्री बने, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार। और आज नम आंखों से पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी को दे रहा है आखिरी विदाई। एक बार फिर से आपको न्यूज रूम लेकर चलते हैं चित्रा के पास।
नेहा, लगातार हम बता रहे हैं कि बादे किस तरह से बड़े नेताओं की ओर से ट्वीट किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो ट्वीट किया गया उसके बारे में आपने जानकारी दे दी, लेकिन उन्होंने कविता के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया है और वो कविता यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी। देखिए, लेकिन वो हमें कहकर गए, मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कुछ से क्यों रूं। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया है और उसके बाद उनका जो ट्वीट आता है, अटल जी हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन हर भारतीय को, हर भाजपा कार्यकर्ता को हमेशा मिलता रहेगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके हर स्नेही को ये दुख सहन करने की शक्ति दें। ओम शांति। इस तरह से एक के बाद एक कई ट्वीट करके नरेंद्र मोदी की ओर से याद किया गया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को और इस तरह से दी गई है श्रद्धांजलि। नेहा, बिल्कुल, और लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। चित्रा, लोग स्तब्ध हैं, दुखी हैं। मुरली मनोहर जोशी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। मैं शामिल हो तो नहीं देखा, मूल्यों पर आधारित राजनीति के वो सदैव पक्षधर रहे और जो भी कुछ उन्होंने किया वो राष्ट्रहित में जो कुछ वो उचित समझते थे वही करते थे। मेरा उनसे बहुत लंबा सानिध्य रहा विश्वविद्यालय में, तब से मेरा उनका परिचय और फिर सानिध्य जो अंत में बहुत घनिष्ठ संबंधों के रूप में बदल गया। वो मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक थे, हैं और रहेंगे। वो न केवल राजनेता थे बल्कि वो जन नेता थे। उन्होंने लोगों के मनों को जीत लिया था। ऐसा व्यक्तित्व ही देश को एक रखने में और हिंसा से मुक्त तथा सर्वसमावेशी नीतियों का पोषक हो सकता था। वो राजधर्म के पालन में विश्वास रखते थे और इस पर सदा अडिग रहे। वो एक प्रकार से अजात शत्रु के रूप में राजनीति में स्थापित हो गए। उनका निधन राष्ट्र का भारी नुकसान करता है, तो उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मेरी तो व्यक्तिगत रूप में गहरी क्षति हुई है। उनको हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं ने हमेशा अपना मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत माना, उनका अभाव हमें हमेशा खटकता रहेगा। मैं नहीं जानता कि अब दूसरा अटल राजनीति के क्षेत्र में कब देखने को मिलेगा। प्रभु उनको अपने चरणों में मोक्ष प्रदान करें और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को, उनके परिवार को इस असह्य दुख को सहन करने की शक्ति को दान करें। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि उनके चरणों में सागर। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को आप सुन रहे थे अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, अटल जी के साथ अपने पलों को याद करते हुए। और बेहद दुख का मौका आज सबके लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि नहीं रहे अटल बिहारी वाजपेयी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की जो छवि है, अटल जी की जिस तरह का व्यक्तित्व उनका रहा, जो करिश्मा उनका रहा, लोगों के दिलों में वो हमेशा रहेंगे। भारतीय राजनीति की जो दशा दिशा उन्होंने दी, जो उनके वाक्य थे राजनीति को लेकर, सत्ता पक्ष विपक्ष नीतियों को लेकर, मुद्दों पर वो गूंजते रहेंगे। एक दशक से भी दूर थे वो सक्रिय राजनीति से, लेकिन उनकी कही हुई बातें अब भी लोगों की संवेदनाओं को झकझोर कर रखने की ताकत रखती थी। दुखद खबर आज शाम 5:05 पर जब अंतिम सांस ली अटल बिहारी वाजपेयी ने, मैं रुक करना चाहूंगी एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया का। विकास, आपकी लगातार डॉक्टरों से बात हो रही थी और जिस वक्त आप ये जानकारी दे रहे थे कि बीच में एकदम उनकी सेहत नीचे गई और फिर अचानक से थोड़ी सुधरी, लेकिन उसके कुछ ही वक्त बाद विकास ये सुनने के लिए हमें मिला आप लोगों से कि अटल जी हमारे बीच नहीं रहे। विकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ।
इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। अटल जी की तबियत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, नाजुक चल रही थी विकास, लेकिन हम लोग सब इंतजार कर रहे थे उस मेडिकल बुलेटिन का जिसमें सुधार को लेकर एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आए, लेकिन जो सुना गया, जो खबर सामने आई, उससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ बिल्कुल, और जब इसे मेडिकल बुलेटिन आने से थोड़ी देर पहले ही जब हमारी डॉक्टरों से बात हुई तो उन्होंने पूरा वाकया बताया कि किस तरह से दोपहर में 1:30 से 2 बजे के आसपास वाजपेयी जी की जो दिल की धड़कनें थीं वो तकरीबन रुक सी गई थीं और नाउम्मीद हो गए थे डॉक्टर, लेकिन फिर अचानक वाजपेयी जी ने रिवाइव किया, उनकी सारे वाइटल ऑर्गन्स उनके रिवाइव करने लगे, दिल की धड़कनें वापस लौट आईं, तब डॉक्टरों को लगा था कि शायद अब एक उम्मीद की किरण है, वाजपेयी जी फिर से स्वस्थ हो पाएंगे। लेकिन शाम 5:30, 4:30 होते होते एक बार फिर से वाजपेयी जी के स्वास्थ्य में गिरावट आई, हालत उनकी बेहद नाजुक हो गई और तकरीबन 5:05 पर वाजपेयी जी ने देह त्याग कर दिया। हमें इस बुलेटिन से इंतज़ार था कि कोई अच्छी खबर सुनाई देगी, क्योंकि दोपहर में उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ था, डॉक्टर्स ने हमें लगातार बताया था, डॉक्टर्स लगातार पैनी नज़र भी रख रहे थे, लेकिन स्थिति गंभीर होने के बावजूद जब स्वास्थ्य में सुधार होता है तो उम्मीद की किरण जागती है, और इसी उम्मीद में मेडिकल बुलेटिन का हम लोग भी इंतजार कर रहे थे। उम्मीद के साथ आप लोग वहां थे और हम लोग यहां से कवरेज कर रहे थे कि कुछ अच्छा हमें सुनने के लिए मिलेगा। आप बने रहिए, मैं आपके पास फिर आऊंगी, लेकिन हम आपको बता दें जानकारी और अहम मिली है, 6:30 कैबिनेट की बैठक होगी, सीधे रुक करूंगी मैं हमारे संवाददाता प्रशांत का। जी प्रशांत, और क्या जानकारी? ये देखिए नेहा, चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न थे और पूर्व प्रधानमंत्री थे, लिहाजा उनके निधन होने के बाद ये एक औपचारिक बैठक बुलाई गई है जिसमें सबसे पहले तो सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और उनको पहले औपचारिक तौर पर श्रद्धांजलि देने के बाद फिर आगे का क्या कार्यक्रम है, क्योंकि हम राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, उसके अलावा राजकीय शोक घोषित होगा, तो सारी जो योजनाएं हैं आगे का क्या कार्यक्रम होगा उस पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी और उसमें जो फैसला लिया जाएगा उसके बाद बताया जाएगा। लेकिन औपचारिक तौर पर एक तरह से हम कह सकते हैं उस कैबिनेट में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसलिए यह बैठक 6:30 बुलाई गई है। तो 6:30 ये अहम बैठक बुलाई गई है। प्रशांत हमें जानकारी देते हुए, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को, देश के 3 बार वो प्रधानमंत्री रहे, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अटल जी को अंतिम विदाई दी जाएगी। और ये देखिए आप बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर झंडे को नीचे किया गया है, ये प्रतीक है दुख मनाने का और दुख इस बात का कि अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच नहीं रहे, ये शोक का प्रतीक है जब झंडे को झुकाया जाता है। और ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें जहां झंडे को झुकाया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी जिनके निधन की बेहद दुखद खबर आज शाम पहुंची, 5:05 पर एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली, लगातार उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी, बीजेपी पार्टी की तरफ से कई नेताओं का आना जाना लगा हुआ था, हमने देखा किस तरह से 16 घंटे के भीतर यानी कल रात और आज दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी से मिलकर आए, उनकी सेहत के बारे में डॉक्टरों से पूछताछ की, कई घंटों तक आज दिन भर अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष मौजूद थे एम्स के भीतर, लेकिन तमाम दवाएं और दुआएं काम नहीं आई, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे। और हम आपको बता दें अटल बिहारी वाजपेयी के घर यानी 6A कृष्ण मेनन मार्ग को दोनों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया था ताकि बहुत सारे लोगों का वहां जमावड़ा ना हो, लेकिन शाम होते होते अटल बिहारी वाजपेयी के जाने की दुखद खबर आई। सीधे निपुण सैगल का रुख करना चाहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकारी निवास 6A कृष्ण मेनन मार्ग पर वो मौजूद है। निपुण, इस बेहद दुखद खबर के बाद माहौल यकीनन बहुत गमगीन होगा। जी माहौल बहुत गमगीन है, अचानक से बोझिल सा हो गया है माहौल, और इतने सालों के टेलीविजन कवरेज के दौरान बहुत बार हमने बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को जाते हुए देखा और मीडिया के लोगों को बिल्कुल अप्रभावित देखा अपना काम करते हुए, लेकिन यहाँ भी अटल जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था या उनके प्रति प्रेम ऐसा था कि तमाम लोग जो यहाँ पर जमा हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उनके भी चेहरों पर कहीं ना कहीं एक अफसोस का गहरा भाव देखने को मिल रहा है और वही एक बोझिल माहौल, क्योंकि ये घर जो 6A कृष्ण मेनन मार्ग जिसका एक साइड का गेट आप देख रहे हैं, यही गेट
मेरी कई स्मृतियां खुद की जुड़ी हुई हैं कि कई बार अटल जी से उनके जन्मदिन पर या होली या इस तरह के शुभ अवसर पर जब ये गेट खोला गया कि लोग उनसे मिल सके, तो यहां से जबकि अटल जी सक्रिय राजनीति में नहीं थे और काफी हद तक एक भूलने लगे थे, लोगों को पहचान नहीं पाते थे, उसके बावजूद जिस दिन इस घर का गेट खोला जाता था आम लोगों का तांता लग जाता था उनसे मिलने के लिए। भले ही वो सार्वजनिक जीवन से ओझल से हो गए थे लेकिन उनके प्रति प्रेम में कोई कमी नहीं थी। ऐसी दो स्मृतियां खुद की भी मेरी हैं जब मैं अंदर गया और एक उनको देखकर ये साफ महसूस हुआ कि वो ठीक से लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो सहज स्वाभाविक मुस्कान जो अटल जी के चेहरे पर होती थी, जो सरलता सौम्यता वो हमेशा उनके चेहरे पर बनी हर तरफ दिखाई दे रहा है। और देखिए ये दिखाई दे रहा है उन प्रतीकों में भी जो आमतौर पर हमारे लिए देश के लिए सम्मान का प्रतीक होते हैं। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें और ये जो झंडा है इसे आधा झुकाया गया है क्योंकि शोक मनाया जा रहा है, शोक उस व्यक्तित्व का मनाया जा रहा है जिसने तीन बार प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान संभाली और ऐसी दशा और दिशा दी कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और आप देख रहे हैं लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या आम क्या खास, सभी दुख में डूबे हुए हैं, अटल जी हमारे बीच नहीं रहे। बीजेपी में अटल युग का अंत हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता श्याम जाजू जी हैं। श्याम जी, बीजेपी के लिए ये इस युग का अंत होना कितनी बड़ी क्षति है? अटल जी के निधन से केवल भारतीय जनता पार्टी की क्षति नहीं हुई है, पूरे देश की एक अपूर्णीय क्षति हुई है। उनका विपक्ष के नेता का कार्यकाल पूरे देश ने देखा है, एनडीए का नेतृत्व कर उन्होंने एक आदर्श प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी दिया है। उनके काल की उपलब्धियों को आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया था। उनके भाषण, उनकी कविताएं, उनके व्यवहार और उनके निर्णय ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने वाले हैं, आने वाले दिनों में ऊर्जा देने वाले हैं, निश्चित रूप से वो अनुकरणीय है। श्याम जी, पिछले बीजेपी कार्यालय के आप कई बार प्रभारी रहे हैं बहुत लंबे समय तक, इस बीजेपी मुख्यालय में अटल जी ने कभी कदम नहीं रखा, क्या उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा? अटल जी का पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को समर्पित था। स्वाभाविक रूप से ऐसे जो कार्यकर्ता होते हैं उनका कार्यालय ये घर होता है, तो आज का जो हमारा मुख्यालय है यहाँ पर निश्चित रूप से उनका देह लाया जाएगा, अंत्य दर्शन के लिए वो यहाँ रखा जाएगा। पूरे देश से कार्यकर्ता दिल्ली आएंगे, उनका अंत्य दर्शन का कार्यक्रम यहाँ से पूरा होने के बाद अंत्य यात्रा यहाँ से ही निकले। एक अंतिम सवाल सर, कि जिस कद के वो नेता थे उसके अनुरूप कि उनकी अंत्येष्टि का क्या कार्यक्रम होगा, क्या राजघाट के आसपास इलाकों को देखा जा रहा है, कहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा? अधिकृत रूप से अभी एक 15-20 मिनट में इसका कार्यक्रम सब लोगों के लिए जानकारी दी जाएगी। पूरे देश के मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता, नेता ये सब दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं और अभी ये जो अपूर्णीय क्षति हुई है उनका अंत्य दर्शन के लिए बहुत कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं। हमसे बातचीत देखिए, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हमें जो जानकारी मिल रही है, शाम 7:30 बजे अटल जी के पार्थिव शरीर को उनके घर 6A कृष्ण मेनन मार्ग लाया जाएगा। शाम 7:30 बजे पार्थिव शरीर घर ले जाया जाएगा, यानी अब से तकरीबन 1.5 घंटे बाद। और इस बीच इस दुखद खबर को सुनने के बाद एक बार फिर से एम्स पहुंच रहे हैं कई बड़े नेता। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के एम्स पहुंचने की सूचना में मिल रही है, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शाम 5:05 पर अटल जी ने अंतिम सांस ली एम्स में और अब ये जानकारी मिल रही है कि अब से 1.5 घंटे बाद यानी शाम 7:30 बजे उनके पार्थिव शरीर को एम्स से उनके आवास 6A कृष्ण मेनन मार्ग ले जाया जाएगा। तो हर तरफ दुख और गम का माहौल, सभी अपनी श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित। वाकई में अटल जी भारत के रत्न से कम नहीं, जिनके बारे में सबका यही कहना कि उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है भारतीय राजनीति के लिए। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि लगातार लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके साथ जितने राजनेताओं ने काम किया वो उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो शून्य में है, निशब्द है और एक युग का अंत हुआ है अटल जी के जाने से। अमित शाह कह रहे हैं कि पूरे देश के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है और ये बात सही भी है। बीजेपी से आते थे अटल बिहारी वाजपेयी लेकिन कभी वो सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रहे, उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उस विशाल व्यक्तित्व में पार्टी की जो लाइन्स थी वो कहीं खो जाती थी और उनके विरोधी भी उनके व्यक्तित्व की वजह से, उनकी खूबियों की वजह से उनके मुरीद होते थे।
और ये जो जोड़ी थी आडवाणी और अटल की, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। I am deeply grieved by the sad demise of Vajpayee ji. India has lost one of its tallest leaders. He was loved by the people of India and of course by the people of Odisha as well. May his soul rest in peace. किसका गिरा? एक बहुत बड़े नेता को खो दिया, एक बहुत ऊंचे कद के नेता को खो दिया और वो उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जिनका संसद और भारत की राजनीति में कार्यकाल 5 दशक तक का रहा, 10 बार लोकसभा के सांसद, 2 बार राज्यसभा के सांसद, 5 दशक की राजनीति। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इनमें हमने एक झलक देखी गृहमंत्री राजनाथ सिंह की, और यादों के झरोके से अटल जी के जीवन को सामने रखती है तस्वीरें। गृहमंत्री राजनाथ सिंह को इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। यही एम्स की बुलेटिन जारी हो चुकी है, आपसी तो जानकारी है। बहुत ही हम सब के लिए यह दुख का विषय है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। कुछ समय के बाद उनकी बॉडी फिर रेजिडेंस पर जाएगी, वहीं पर लोग अपनी आकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो गृहमंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से शाम 7:30 बजे पार्थिव शरीर जो है अटल बिहारी वाजपेयी का वो पहुंचेगा उनके घर, जहां पर आखिरी श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो हम आपको बता दें बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विजय कुमार मल्होत्रा जी, शब्द वाकई किसी के पास नहीं है, ये बहुत बहुत ज्यादा खाली करने वाली और दुखद खबर आई है, अटल जी हमारे बीच नहीं रहे। इस मौके पर आप कैसे याद करेंगे उन्हें? एक न भूतों न भविष्यति इस प्रकार का नेता उठ गया है, और वो कवि थे, लेखक थे, पत्रकार थे और बहुत बड़े एक स्टेट्समैन भी थे और एक राजनेता भी थे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किए, बनने के तुरंत बाद उन्होंने परमाणु परीक्षण किया, सारे विश्व के विरोध के बावजूद उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था। भारतवर्ष का नाम सारी दुनिया में एक बड़े गौरव के साथ लिया गया था। ऐसे व्यक्ति थे जो अपने एक ही भाषण में लोगों को हंसा भी देते थे, रुला भी देते थे और सनसनी भी पैदा कर देते थे। वो 1951 में जब वीर अर्जुन के संपादक थे तो मुझे उनके साथ उप संपादक के रूप में रहने का मौका मिला। फिर उनके साथ लाहौर में बस के साथ यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। तो मैंने कहा कि उनमें जितना लोग अपने पसंद करते थे, वो दिन में 10-10 भाषण देते थे और कटु आलोचना करते थे सभी पार्टियों की, परंतु सभी पार्टियों के नेता आज गमगीन हैं, आज उनके निधन से बहुत व्यथित हैं, दुखित हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये उनका एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक नायकत्व था कि एक ही समय पर जब उन्होंने ये भी लिखा था कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कहा गया था कि यदि वह पाकिस्तान से चुनाव लड़ें तो पाकिस्तान में चुनाव जीत जाएंगे बहुमत के साथ। तो एक ही व्यक्ति भी कट्टर हिंदुत्व होते हुए भी पाकिस्तान में इतना लोकप्रिय था, ये बहुत ही विरोधाभासी बात लगती है, परंतु ये उनके व्यक्तित्व में था। उनके व्यक्तित्व में ये बात भी थी कि सब उनको यहाँ पर नरसिंह राव साहब ने भेजा था यूएनओ में
भारत का पक्ष रखने के लिए, तो जिनको वो सख्त आलोचना भी करते थे वो भी उनके मुरीद थे, ये बात उसमें दिखाई देती है। और वो लगातार इतने वर्षों तक जनसंघ का या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों को जीवित रखने में, इनको ज़्यादा आगे बढ़ाने में और देश का नाम विश्व भर में ऊंचा करने में उनका योगदान अप्रतिम है और देश सदियों तक इस बात को भूलेगा नहीं। बिल्कुल विजय कुमार मल्होत्रा जी, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक युग का अंत हो गया है, और मुरली मनोहर जोशी जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता या उन्हें मालूम नहीं कि एक और अटल क्या भारतीय राजनीति में कभी देखने को मिलेगा। विजय कुमार मल्होत्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मल्होत्रा जी, जिस तरह का शून्य वो छोड़कर गए हैं, एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो एक युग का अंत हुआ है, क्या इसकी भरपाई हो पाएगी? संसार में भरपाई तो हर चीज की हो जाती है, परंतु बहुत भरपाई होना बहुत कठिन है, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि ऐसा वक्ता, ऐसा कवि, ऐसा राजनेता, ऐसा प्रधानमंत्री, इस प्रकार का सभी गुण एक साथ एक व्यक्ति में हों, ये बहुत कठिन बात है। मैंने कहा कि ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा लगता है तो ऐसा व्यक्ति के साथ युग का अंत तो होता ही है, परंतु संसार में महापुरुष पैदा होते रहे हैं, फिर पैदा होंगे, परंतु अटल जी के जो योगदान है इसको सदियों तक भुलाया नहीं जा सके। विजय कुमार मल्होत्रा जी, अगर आप ये भी बताना चाहें हमारे दर्शकों को, आखिरी बार उनकी आपकी उनसे कब मुलाकात हुई थी, और कोई उनकी आपको कही हुई एक बात जो आपको हमेशा याद आती हो। नहीं, देखिए ये बाद के वर्षों में दिक्कत हो गई थी, परंतु यहाँ पर सोमनाथ चटर्जी जब स्पीकर थे और मैं यहाँ पार्टी में डिप्टी लीडर था, तो बहुत बार उन्होंने इस बात को कहा कि अटल जी को एक बार लोकसभा में ले आइए, व्हील चेयर पर आ जाएं, और गेट पर लोकसभा की एंट्री पर वहाँ पर जो है भवन का उस पर बैठ करके वो भाषण दे दें तो हम सब धन्य हो जाएंगे। वो कम्युनिस्टों के बहुत विरोधी थे, परंतु सोमनाथ चटर्जी का ये कहना कि एक बार आकर के वो गेट पर खड़े होकर के कुछ बोल दें, तो ये बात सिद्ध करती थी कि किस प्रकार से सभी लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और जब ये पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तो उस समय मैंने उनसे पूछा था, मैं पार्टी का प्रवक्ता के तौर पर भी था, कि यहाँ पर बीजेपी के बहुत लोग उनके पास गए थे और उन्होंने कहा था कि अटैक कर दो और कश्मीर में आज़ाद, ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इनके जो अड्डे हैं इनके ऊपर हमला कर देना चाहिए। तो उन्होंने, मैंने पूछा उनसे, कहा कि ये बीजेपी ने जो कहा वो तो आप कह सकते हैं, मेरी जो प्रतिक्रिया है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उन्होंने तय किया कि विश्व भर में सभी देशों में अपने भारतीय यहाँ प्रतिनिधि इनको भेजा जाए, मुस्लिम कंट्रीज में भी, बाकियों में, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे भेजा था। बिल्कुल, तो जैसा आप बता रहे हैं विजय कुमार मल्होत्रा जी, ये उनका व्यक्तित्व था, और जब आप कह रहे हैं, आपने अपने अनुभव साझा किए, तो उससे समझ आता है कि कद क्या था अटल जी का। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त अपने दर्शकों को, एम्स की ये तस्वीरें हैं, और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं दुखद खबर जो है अब ये सबके पास है, और एक गम का माहौल जहां पर तैयारियां की जा रही हैं। अटल जी के पार्थिव शरीर को ये बताया जा रहा है कि यहां से उनके आवास 6A कृष्ण मेनन मार्ग लाया जाएगा। शाम 7:30 बजे का वक्त तय किया गया है इसके लिए, और आप वहां देख सकते हैं हलचल सी, हालांकि हर चेहरा उदास है। विजय गोयल को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, विजय गोयल, अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ आज दिन भर तकरीबन एम्स में ही मौजूद रहे हैं, और आंखों में आंसू हैं, दुख है इस बात का कि एक ऐसी शख्सियत जो कि भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा कद रखती थी, हमारे बीच नहीं रही। एम्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर हलचल थोड़ी बढ़ती हुई, और वो इस वजह से कि अब धीरे धीरे पार्थिव शरीर को यहां से घर ले जाने के लिए अटल जी के तैयारियां की जा रही हैं।
हम सीधे रुख करना चाहेंगे एम्स का। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, हम तस्वीरें देख रहे हैं एम्स की, वहां पर हलचल, गाड़ी हमें दिखाई दे रही है और ये कहा जा रहा है कि पार्थिव शरीर अटल जी का वहां से घर लाया जाएगा, आपके पास क्या जानकारी? जी हाँ बिल्कुल, देखिए विस्तार से मैं आपको बता दूं कि वाजपेयी जी का शव को, शरीर को फिलहाल पीछे एनाटॉमी डिपार्टमेंट है वहाँ पर लेपन के लिए ले जाया जा रहा है, ताकि शव को दो तीन दिन क्योंकि अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, इसलिए सब सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए उस पर लेपन किया जाएगा खास तरह का, और इसलिए अभी एम्स के पीछे के हिस्से में बनी मोर्चुरी में ले जाया जाएगा। तकरीबन एक घंटे का वक्त इसमें लगेगा और उसके बाद तकरीबन 7:30 बजे के आसपास पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के शरीर को उनके निवास स्थान 6A क्रिस्ट मेनन मार्ग लिया जाया जाएगा, जहाँ अंतिम दर्शन के लिए कुछ प्रमुख लोगों के लिए खोला जाएगा, जो उनके साथ जिन लोगों ने समय बिताया, पार्टी के प्रमुख नेता पदाधिकारी, उनके लिए खोला जाएगा। और फिर कल सुबह से तकरीबन 9 बजे के आसपास से अटल जी के पार्थिव शरीर को बीजेपी दफ्तर 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर रखा जाएगा, जो कि जनता के लिए पूरी तरह से खुला होगा, कोई भी व्यक्ति देश भर से आके वहाँ पर अटल जी के अंतिम दर्शन कर सकेगा। तीसरे दिन यानी कि परसों जाके अटल जी के का अंतिम संस्कार होगा, और जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक अटल जी का अंतिम संस्कार राजघाट के पीछे राष्ट्रीय स्मृति जो नाम की जगह है वहाँ पर किया जाएगा। और चूंकि पहले ही यूपीए सरकार के समय एक जीओआई यानी कि ऑर्डर निकाल दिया गया था कि अब इस इलाके में कोई भी समाधि नहीं बनाई जाएगी, किसी भी का भी अंतिम संस्कार यहाँ नहीं किया जाएगा, उसको उलटने की भी तैयारी कर रही है सरकार, ताकि अटल जी को उन्हीं तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों के आसपास उनका समाधि स्थल बनाया जा सके। तो यमुना के किनारे जो राष्ट्रीय स्मृति है वहीं पर अटल जी का राजघाट के पीछे अंतिम संस्कार किया जाएगा। और हमारे सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि 3 नाम उस जगह के लिए सुझाए गए हैं, जिसमें अटल घाट है, इसके अलावा विजय पथ है और एक और अन्य नाम है जिसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। उन तीनों नामों में से उस जगह को नाम दिया जाएगा और अटल जी की समाधि वहीं राजघाट के बगल में बनाई जाएगी अंतिम संस्कार के बाद। तो यह अगले 3 दिनों का इस तरह का कार्यक्रम होगा। फिलहाल अटल जी के पार्थिव शरीर को लेपन के लिए ले जाया गया है, ताकि उनके शरीर को अगले 2 दिनों तक जनता के अंतिम दर्शन के लिए सुरक्षित रखा जा सके। तो ये विकास हमें बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं एम्स से, विकास हमें ये बताते हुए कि अभी अटल बिहारी वाजपेयी के जो पार्थिव शरीर है उसको लेपन के लिए ले जाया गया है, उसके बाद वहां से उनके पार्थिव शरीर को 6A कृष्ण मेनन मार्ग उनके घर लाया जाएगा। आज कुछ चुनिंदा हस्तियों को जिन्होंने उनके साथ बहुत करीब से काम किया है वो आकर अटल जी के निवास स्थान पर उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर अपनी श्रद्धांजलि दे पाएंगे। कल बीजेपी मुख्यालय में अटल जी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। देश भर से कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स जाकर अपनी श्रद्धांजलि अटल जी को दे सकता है। परसों राजघाट के समीप अंतिम संस्कार होगा अटल जी का, और परसों अटल जी का अंतिम संस्कार होगा। बताया जा रहा है कि राजघाट के पीछे राष्ट्रीय स्मृति पर उस स्थान पर अंतिम संस्कार किया जाएगा अटल जी का। अभी की ये जानकारी हम आपको दे दें कि उनके पार्थिव शरीर का पर लेपन किया जा रहा है। अटल जी के पार्थिव शरीर पर स्मृति स्थल का नाम अटल घाट हो सकता है, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा, उनकी समाधि जहां बनेगी अटल घाट का, उसे नाम दिया जा सकता है, वो नाम विजय पथ भी हो सकता है। इन नामों पर विचार चल रहा है। तो ये अहम जानकारी कि आज के दिन कुछ चुनिंदा शख्सियतें जिनका बहुत ही निकट का नाता रहा है अटल जी के साथ, वो जाकर के अटल जी के निवास स्थान पर उनके दर्शन करते हुए, आखिरी दर्शन करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दे पाएंगे। कल पार्टी मुख्यालय में आम लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे, आज घर पर कुछ खास लोग आएंगे, और फिर परसों राजघाट के समीप राष्ट्रीय स्मृति पर अटल जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक युग का अंत हुआ है अटल जी के जाने से, और एक ऐसी शख्सियत जिनकी अपील, जिनका करिश्मा हर तरफ देखने को मिलता था। इस बीच आपको बता दें, लालकृष्ण आडवाणी ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी है, क्या कहा है उन्होंने जानने के लिए सीधे चलते हैं चित्रा के पास। देखिए नेहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए लालकृष्ण आडवाणी की ओर से किस तरह से उन्होंने याद किया है वो कॉपी मेरे पास है। जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस वक्त उप प्रधानमंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी, और उनकी ओर से देखिए यहां पर लिखा गया है, वो
लॉस की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि हिंदुस्तान ने एक स्टेट्समैन खो दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मैं 65 सालों से ज्यादा जुड़ा रहा, वो मेरे सबसे ज्यादा नजदीकी दोस्त रहे। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस के प्रचारक जब दोनों थे उस दौर को भी याद किया है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से ये लोग एक थे, उसका भी जिक्र यहां पर हुआ है। और साथ ही कहा है कि जिस तरह से इमरजेंसी का दौर था उस वक्त किस तरह से हम लोगों ने स्ट्रगल किया और फिर देश को एक अलग रास्ते पर लेकर आए, उसका भी जिक्र यहां पर किया गया है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था, उसका भी जिक्र इसमें है। और इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात यहां पर याद करते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लिखते हैं, एज माई सीनियर ही ऑलवेज इनकरेज्ड एंड गाइडेड मी इन एवरी पॉसिबल मैनर। और इसके अलावा किस तरह से उन्होंने समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन किया, किस तरह से हिंदुस्तान को लेकर एक अलग तरह की सोच रखते थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन तमाम बातों का जिक्र है। और यहां पर देखिए किस तरह से अटल जी को याद करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी भावुक हो जाते हैं। ये एक खत नहीं है बल्कि अटल आडवाणी के उस युग का अंत भी कहेंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी अब रहे नहीं। और जाहिर तौर पर आज जिस बीजेपी को हम सभी देखते हैं वो बीजेपी अटल आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की वजह से ही शायद यहां तक पहुंची। और यही कारण है कि लालकृष्ण आडवाणी इस खत के जरिए इस तरीके से अपने अलग ही शब्दों में उन्हें याद कर रहे हैं। नेहा, बिल्कुल, और बहुत ही निकट का ये रिश्ता था चित्रा अटल आडवाणी का। एक बार ये भी पूछा गया था अटल जी से कि नरम दल गरम दल, यानी एक दल जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का और एक आडवाणी का, वो भी एक दिलचस्प वाक्य था। तो इस तरह से आखिरी विदाई सभी दे रहे हैं, बहुत ही खालीपन है इस वक्त हमारे साथ। वो ने आपको बता दे मनोज तिवारी, जो कुछ अटल जी से सीखे हैं देखे हैं वो आगे भी उनके लिए जीवन में उस पथ पे चलने का एक बहुत सशक्त माध्यम बने। और हम सभी इस समय बस ईश्वर से यही प्रार्थना करें, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके चाहने वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति। बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे अपनी श्रद्धांजलि देते हुए। हम सीधे जाना चाहेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह के पास। रक्षित, बहुत दुखद खबर और यकीन तौर पर हर दिल हर शख्स गम में इस खबर को सुनकर। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है जिस तरीके से 3 बार के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, तो जैसे ही उनके निधन की खबर आई तो तमाम देश भर में ऐसे लोग हैं कि जो उनसे जुड़े संस्मरणों को याद कर एक तरीके से रो बैठे। और उसके अलावा तमाम पार्टी लाइंस में जो उनकी इमेज थी, जो उनकी छवि थी, वो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी थी कि अटल जी के जब निधन की खबर आती है तो जाहिर सी बात है कि माहौल पूरा गमगीन हो जाता है। इस वक्त मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है, आधिकारिक निवास है, 6A कृष्णा मेनन मार्ग, वहीं पर मैं मौजूद हूं। अटल बिहारी वाजपेयी के घर का ये मेन गेट है, ये आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। कई केंद्रीय मंत्रियों को इससे थोड़ी देर पहले हमने घर में जाते हुए देखा। इसके अलावा बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं। और सबसे अहम बात कि उनके जो तमाम खास रिश्तेदार हैं वो भी घर के अंदर मौजूद हैं, जो बीजेपी के सूत्रों से हमें पता चला है। और तैयारियां आप यहां पर देख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो शव है वो किसी भी वक्त आ सकता है। तो तमाम जो तैयारियां हैं, पुलिस बल यहां पर डिप्लॉयड है बड़ी संख्या में, इसके अलावा अर्धसैनिक बल जो हैं वो भी डिप्लॉय किए गए हैं। और जो भीड़भाड़ है यहाँ पर वो आज सुबह से ही लगातार बनी हुई थी, क्योंकि इस तरीके की आशंका बनी हुई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो तबीयत है वो लगातार नासाज थी, लगातार खराब थी। उसी के चलते कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये अंदेशा बना हुआ था। हालांकि हर कोई दिल यही दुआ कर रहा था कि अटल जी स्वस्थ होकर आए, लेकिन ये दुखद खबर एम्स से आई जब उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अटल जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। और इस आधिकारिक निवास पर ही तमाम जो दिग्गज नेता हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, पूरी कैबिनेट होगी, वो यहाँ पर आएंगे। लगातार साइरेंस की आवाज आप सुन सकते हैं। अंतिम तमाम जो अंतिम विदाई देने के लिए जैसा आप बता रहे रक्षित, उनके घर पर इस वक्त लोग आएंगे। और इस वक्त उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू क्या कह रहे हैं सुनते हैं। नेवर एक्सपेक्टेड द एंड विल कम सून, वेरी सैड टू नो अबाउट द डिमाइस ऑफ the nation's beloved leader, Shri Atal Bihari Vajpayee ji. Shri Atal ji is a multifaceted personality. He was a statesman, great parliamentarian, great administrator, great orator, great poet, great thinker, and great philosopher.
he successfully presented an alternative thought before the nation and finally could succeed in convincing the people to elect an alternative thought under his leadership to lead the country. He successfully led a coalition of 23 parties, proved to be an able leader and provided a stable government. Sri Atalji is a big reformer and also a performer. He brought connectivity revolution in the country, air connectivity, rail connectivity, highway connectivity, rural connectivity, teleconnectivity, television connectivity, port connectivity, even also political connectivity. 5 years he provided a stable government and presented an alternative vision before the country. He was a true Indian, appealing to all Indians. He never hesitated to speak from his heart when there was a larger consensus that was required to be implemented in the country. It was Sri Atalji's remarkable ability to take everybody along with him. He is the tallest leader of our country's post-independence, and it's a big loss to the country, its polity, and to the people. Shri Atal Bihari Vajpayee, the Bharat Ratna, his qualities of Vyaktitva, personality, Vaktrutva, oratory, Kartrutva, devotion to duty, Mitrutva, the friendliness, all combined together, Netrutva, will be remembered for a long time to come. I pay my tributes to Sri Atal Bihari Vajpayee ji and pray God that his soul should be allowed to rest in peace. Sri Vajpayee ji, I know him since my student days, and we used to call him as Taruna Hrudaya Samrat. That's a leader with a young heart who knows the pulse of the younger generation. I used to make announcement about his arrival to my city, Nellore, but I never imagined a boy who has announced about his arrival to the city will one day become the president of the ruling party proposed by Sri Atal Bihari Vajpayee ji and seconded by Sri Lal Krishna Advani, and then run the party sitting between both of them. He always used to give his affection, guidance, not only to me, millions of the people across the country. They are all very much inspired. तो आप सुन रहे थे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनका जो एक तरह से जुड़ाव रहा अटल बिहारी वाजपेयी से, वो उनके छात्र दिनों से था. अपनी श्रद्धांजलि देते हुए और लगातार अतीत के पन्नों से वो तस्वीरें, वो यादें जिनमें अटल जी का व्यक्तित्व चमकता था, आप देख सकते हैं किस तरह से, चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों या जवान हों, हर एक को छूते हुए अटल जी अब हमारे बीच नहीं रहे. आज शाम 5:05 पर एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके शरीर पर, पार्थिव शरीर पर अभी लेपन किया जा रहा है. इसके बाद आपको हम बता दें कि यहां से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा उनके घर, उनके सरकारी आवास 6A कृष्ण मेनन मार्ग पर, जहां आज रात अटल जी के साथ बहुत नजदीकी के साथ काम करने वाले लोग, जिनका बहुत नजदीक का नाता रहा अटल जी के साथ, वो जाकर के उन्हें आखिरी विदाई देंगे, श्रद्धांजलि देंगे. भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से पूरा देश शोकाकुल है. दुख की इस घड़ी में एबीपी न्यूज भी अपने दर्शकों के साथ है.
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो यादों के झरोके से अब सामने आ रही हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज रात को उनके घर पर कुछ चुनिंदा शख्सियतें जाकर के उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देंगी। कल पार्टी मुख्यालय पर, बीजेपी मुख्यालय पर अटल जी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। कल आम लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे और परसों राजघाट के साथ ही राष्ट्रीय स्मृति पर अटल जी का अंतिम संस्कार होगा और वहीं पर उनकी समाधि बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके जाने से एक बड़ा शून्य भारतीय राजनीति में आ गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि आज के दिन वो निशब्द हैं, शून्य में। अमित शाह ने कहा एक युग का अंत हो गया। वहीं पर आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आज शाम अंतिम सांस ली और लोग वहां पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों में आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, देखिए हम सभी के लिए ये बड़े दुखद बेला है। एक अद्भुत इस प्रकार का व्यक्तिमत्व जिनका था, ऐसे अटल जी जो ये कहते थे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, आज काल ने उनको अपने पास ले लिया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अटल जी का भले ही जिस्म नहीं रहा, लेकिन उनके विचार, उनके संस्कार जो उन्होंने हमको दिए हैं, ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे। देश में अटल जी जैसा नेतृत्व आज नहीं रहा, इसके ऊपर हम विश्वास नहीं रख सकते। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाली सदियों तक उनके विचारों की प्रेरणा पाकर, जो उनका सपना था ये भारत भूमि ये दुनिया की सिरमौर बने और भारत का हर व्यक्ति विकसित हो, मुझे ऐसा लगता है कि उनके विचारों पर चलकर ही हम इसको पूरा कर पाएंगे। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहता हूँ। ये व्यक्तिगत हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी हानि है कि जिस व्यक्ति को देख देख कर हम लोग बड़े हुए, जिनसे प्रेरणा लेकर हम लोगों ने राजनीति की, ऐसे व्यक्तित्व का न रहना, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी व्यक्तिगत हानि हुई है। सर अभी इसके बाद का क्या प्रोग्राम है, कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए वो तो पार्टी की ओर से जारी होगा सारा प्रोग्राम। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, उन्होंने श्रद्धांजलि दी अपनी अटल बिहारी वाजपेयी को और कहा कि ये एक बड़े दुख की खबर है और व्यक्तिगत क्षति है उन तमाम लोगों के लिए जिनको छुआ अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व ने। हम आपको बता दें अभी अटल बिहारी वाजपेयी के पार्थिव शरीर पर लेपन किया जा रहा है। शाम 7:30 बजे उनके पार्थिव शरीर को एम्स से उनके घर 6A कृष्ण मेनन मार्ग पर लाया जाएगा। आज कुछ चुनिंदा लोग अटल बिहारी वाजपेयी के दर्शन कर पाएंगे। एम्स की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर आम लोग भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। देखिए वहां लोग जो अपने परिजनों का इलाज कराने आए थे, आज दिन भर से ही अटल जी की सेहत के बारे में पूछताछ कर रहे थे और अब जब यह खबर सार्वजनिक हुई है कि अटल जी हमारे बीच नहीं रहे, तो एम्स की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देख सकते हैं आप कि कितनी भीड़ है वहां पर और आम लोग भी यहां पर जुटे हैं। अटल जी का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि पिछले 10 सालों से सक्रिय राजनीति से दूर होने के बावजूद आज तक उनके भाषणों की, उनकी बातों की, उनके सोच की लोगों के बीच एक अमिट छाप है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, आज रात उनका उनके घर पर, उनके आवास पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा और कुछ खास लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। कल पार्टी मुख्यालय पर अटल जी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां हर कोई जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकता है। और परसों राजघाट पर अटल जी का, राजघाट के समीप ही अटल जी का अंतिम संस्कार होगा। तो ये अगले 3 दिन का कार्यक्रम और अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका जाना ना सिर्फ उनकी पार्टी बीजेपी या उससे जुड़े नेताओं के लिए एक बड़ी क्षति लेकर आया है, बल्कि और भी तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को जब आप सुन रहे हैं
तो आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरह से खुद को जोड़ रहे हैं उनसे। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी हमें यह मिल रही है कि कल ही यमुना किनारे अंतिम संस्कार किया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी का। कल ही दिल्ली में यमुना किनारे अंतिम संस्कार किया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी का, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अब से कुछ वक्त बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर लाया जाएगा और ये इस वक्त की एक जानकारी कि कल दिल्ली में यमुना किनारे उनका अंतिम संस्कार होगा। मुलायम सिंह यादव क्या कह रहे हैं इस दुखद मौके पर, सुनते हैं। वो भाषण इतना अच्छा देते थे, मेरी खुशी है, गर्व है कि 9 सभाओं में हम लोग साथ साथ बोले। एक बार गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का बीजेपी का, तो हम और अटल जी 9 सभाओं में साथ साथ भाषण दिया, लखनऊ में भी दिया। उनको घमंड नाम की चीज नहीं थी, उनको सादगी साधारण। और मुझे इस बात का गर्व भी है कि खाना बनाते थे, तो मैंने अभी बताया सब बातें होती थी। आज वो देश में जो निधन हुआ है, देश में इतने बड़ा नेतृत्व विहीन देश हो गया, अब उससे कौन कौन प्रेरणा लेते हैं, वो उनके जैसा व्यवहार, सादगी और बोलने की कला कौन सीखेगा, विचित्र। और ये स्वीकार करना पड़ेगा कल जी के निधन से देश में एक बड़ा नेतृत्व विहीन देश हो गया। उनके रहते बहुत सीखा जा सकता था, उम्र जरूर 93 साल की हो गई, लेकिन 93 साल से बहुत ज्यादा बड़े नेता जीवित रहे। आपकी उनसे कभी आखिरी मुलाकात आपको जो याद हो? ना, हम उनके घर पे ही जाते थे, घर पे ही बुलाते थे और खाना खिलाते थे। वो खाना खाते वक्त सारी बातें होती थी, फिर अलग से बात होती थी। अभी जब कुछ समय से वाजपेयी जी बीमार रहते थे, जब वाजपेयी जी बीमार रहते थे, जब वो थोड़ा बातचीत नहीं कर पाते थे, कभी उसके दौरान आप उनको देखने गए जो आपको याद हो वाजपेयी जी का? नहीं, पहले से भी थे, लेकिन लोकसभा में एक बार हमारा उनका थोड़ा सा करता नहीं हुई, हंसी हंसी में काफी कुछ बातें हो गई। अमर रहेंगे अटल जी। हम आपको बता दें कि कल ही उनका अंतिम संस्कार होगा यमुना किनारे, और जो जानकारी मिल रही है 5:00 PM। और इस बीच गुलाम नबी आजाद किस तरह श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आइए आपको दिखा दें। याद करता हूं उन पार्टीज में, तो विपक्ष के अगर किसी में एक लीडर को याद करूंगा कि जो हमारे हर फंक्शन में आते थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी। तो गुलाम नबी आजाद को आपने सुना, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, कांग्रेस इस वक्त विपक्ष में, और गुलाम नबी आजाद ये कहते हुए कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में वो याद करें तो विपक्ष के तमाम कार्यक्रमों में, समारोह में जो नजर आते थे ऐसी शख्सियत के तौर पर। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं गुलाम नबी आजाद और अटल बिहारी वाजपेयी की। कुछ ऐसा व्यक्तित्व था अटल बिहारी वाजपेयी का कि उनके जो विरोधी थे वो भी उनके मुरीद होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की अपील, उनका करिश्मा, उनकी पहुंच, वो पार्टी लाइन से बहुत ऊपर उठकर थी। यही वजह है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी का जाना हर आंख को नम कर रहा है और हर दिल में दुख भर रहा है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे। 9 हफ्तों से एम्स में वो भर्ती थे। पिछले 36 घंटों में उनकी हालत बहुत खराब हो गई, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स पर उनको रखा गया था। आज सुबह से ही उनकी सेहत के बारे में हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। शाम जब हुई, इंतजार हो रहा था एम्स के ताजा मेडिकल बुलेटिन का, इस उम्मीद के साथ कि सेहत सुधरेगी, लेकिन तभी ये दुखद खबर आई कि अटल जी हमारे बीच नहीं रहे। आज 5:05 PM पर उन्होंने अंतिम सांस ली और उनके पार्थिव शरीर को आज ही एम्स से उनके घर
लाया जाएगा। आज उनके दर्शन करेंगे कुछ लोग और फिर कल ये बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जिनका राजनीतिक करियर अगर उसकी बात की जाए तो वो 5 दशक लंबा रहा। 10 बार लोकसभा के सांसद, 2 बार राज्यसभा के सांसद वो रहे, लेकिन सिर्फ राजनीतिक दायरे में ही उनको बांधकर मत देखिए, उनके व्यक्तित्व के कई और आयाम थे। अटल जी का आविष्कार है, वो दूरदर्शी थे, उनको इस बात को समझ में था। अटल जी वो व्यक्ति है जिन्होंने लोकसभा में असम के बारे में, मेरे को आज भी याद है, असम में भाजपा का सरकार होगी ऐसा उन्होंने सालों पहले लोकसभा में बोला था। इसका मतलब अटल जी दूरदर्शी, महादूरदर्शी थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसी दूरदर्शिता को ही उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के मामले में दिखाया था और उसी रास्ते पे आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। और अटल जी चतुर्भुज योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, और इनका और एक प्लान भी था, नदियों को सबको जोड़ना है। विप्लव देव को आप सुन रहे थे और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको दे दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है उसे स्थगित कर दिया गया है। अटल जी के निधन की खबर के बाद जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसे स्थगित कर दिया गया है। बैठक को स्थगित किया गया है और देश के सभी बीजेपी कार्यालयों में पार्टी ध्वज झुके रहेंगे। शोक के प्रतीक के तौर पर पार्टी कार्यालयों में जो पार्टी का ध्वज है वो झुका रहेगा। और इस बीच बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को रद्द कर दिया गया है। देश के सभी बीजेपी कार्यालयों में पार्टी ध्वज झुके रहेंगे। अटल जी के निधन की खबर के बाद ये दो फैसले जो लिए गए हैं, एक तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक स्थगित कर दी गई है, दूसरा पार्टी के जो मुख्यालय हैं उन पर अस्पताल के बाहर अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है। बहुत ही दुखद घड़ी पूरे देश के लिए है और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह जो है अटल बिहारी वाजपेयी के उनके नाम का जयकारा लग रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी आपका नाम रहेगा, इस प्रकार की भावना है। कुछ पोस्टर्स यहाँ ले आए हैं तो कई सारे लोग यहाँ हैं, भावनाएं इन सब की यहाँ पर हम देख सकते हैं। आप बताएं क्या कहेंगे, किस तरह याद करते हैं अटल जी को? अटल जी को मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक शब्द कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के वो दूसरे राजा हरिश्चंद्र थे जो आज हमारे बीच नहीं रहे, आज उनका स्वर्गवास हो गया। और मैं एक शब्द अपने और भाइयों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हम लोग मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आने वाले हमारे नोट हैं, रुपए हैं, उस पे हमारे अटल जी का फोटो रहे ताकि उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए। देखिए यहाँ पर एक तरह से उनको याद करने के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, आप बताएं। सर बस एक ही लाइन है, आज राजनीति के एक महान युग का अंत हुआ। भीष्म पितामह, इस भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह जो है वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक अध्याय राजनीति का, भारतीय राजनीति का खत्म हुआ है। 60 साल तक इन्होंने अपना जीवन भारतीय राजनीति देश सेवा में झोंक दिया था और इसी प्रकार की भावना जो है इन लोगों की मांगे। आप क्या कहेंगे? मैं उस दौर को देखा जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, मैं 1999 में 12th स्टैंडर्ड में था, उसके बाद कॉलेज में देखा, उस दौर को भी देखा और आज भी देख रहा हूँ। वो हमारे दिल में जुड़े हुए हैं, हमारे लिए भगवान थे वो, द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट इज बिकॉज ऑफ हिम इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट प्रधानमंत्री देश के, ये कहते हैं भावुक हो गए। इसी प्रकार की भावना यहाँ एम्स में ही नहीं पूरे देश में देखने मिल रही है। तमाम लोग जो हैं भावुक हो रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी उनको याद कर रहे हैं, चाहे उनकी कविताएं हो, उनका राजनीतिक संघर्ष हो, उनका राजनीतिक जीवन हो, देश के प्रति उनकी जो भावना थी, देश के प्रति जो सेवा उनकी थी, वो सभी यहाँ पर उनको याद कर रहे हैं। न भूतो न भविष्य, इस प्रकार के व्यक्ति थे, इस प्रकार के एक लोक नेता थे जो आज हमारे बीच नहीं है, इसीलिए आज पूरा देश उनके याद में उनके जाने से शोक मना रहा है। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ गणेश ठाकुर, ABP न्यूज दिल्ली।
तो आम लोगों की भावनाएं आपने देखी, वो लोग जिन्होंने शायद अटल जी को कभी पर्सनली उनसे ना नाता रहा हो, लेकिन जिस तरह देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें जाना, एक राजनेता के तौर पर जाना, एक कवि के रूप में जाना, उनके मुरीद आपको हर जगह मिल जाएंगे। और आज अटल जी के जाने के बाद देश शोक में डूबा हुआ है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, अटल जी के पार्थिव शरीर को फिलहाल एम्स में रखा गया है। जल्द ही ये पार्थिव शरीर एम्स से उनके घर लाया जाएगा, कल उनका अंतिम संस्कार होगा। और अटल जी को हर कोई अपनी तरह याद कर रहा है, तमाम राजनेता चाहे वो कहीं से भी आते हों उन्हें आज याद करें। और ये देखिए, ये उनके घर की तस्वीरें हैं, अटल जी के घर की तस्वीरें, 6A कृष्ण मेनन मार्ग की तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो जगह जहां तैयारियां की जा रही हैं अटल जी के पार्थिव शरीर को लाने की। रखा जाएगा पार्थिव शरीर उनका वहां, और गम का एक माहौल, एक बोझिल समा में एक बोझिल जैसी अनुभूति, लोग वहां मौजूद हैं, गमगीन हैं सभी। अटल जी जिनका 94 साल की उम्र में निधन हुआ, एम्स में आज उन्होंने आखिरी सांस ली। ये उनके घर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, और यहाँ इंतजाम किए जा रहे हैं अटल जी के पार्थिव शरीर को जब एम्स से उनके घर लाया जाएगा, दर्शन के लिए यहाँ रखा जाएगा। और उसी के लिए अब से कुछ देर पहले वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहाँ उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। ये दरअसल अटल जी का सरकारी आवास है, 6A कृष्ण मेनन मार्ग, और आप यहाँ तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं बहुत शांति है यहाँ पर, क्योंकि दुख का ये माहौल है, गम का वक्त है। अटल जी नहीं रहे, एक लंबे वक्त तक इस घर में वो रहे, और जब सक्रिय राजनीति से उन्होंने संन्यास लिया उसके बाद उनका जीवन जो था वो यहीं इस घर में बीता। आखिरी के महीनों में, दिनों में उनको एम्स में भर्ती कराया गया जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, और पिछले 36 घंटों में ये हालत और अधिक खराब हुई थी। तो अब से कुछ देर बाद एम्स से पार्थिव शरीर अटल जी का लाया जाएगा यहीं उनके सरकारी निवास 6A कृष्ण मेनन मार्ग पर, जहां तैयारियां की जा रही हैं। हम सीधे जाना चाहेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया के पास। विकास, तस्वीरें हमने देखी अटल जी के घर की, और वहां पर तैयारियां की जा रही हैं ताकि उनके पार्थिव शरीर को वहां लाया जाए और फिर उनके अंतिम दर्शन हो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का जो सियासत में जो कद था उनका, वो पद से कई गुना बड़ा था, और इसलिए देश भर से लोग उनको मिलने के लिए आएंगे। और इसी वजह से पूरे पुलिस प्रशासन को चाक चौबंद किया गया है, जगह जगह फोर्स तैनात किए गए हैं ताकि जो लोग बाहर से अटल जी के इस खबर को सुनकर उनके अंतिम दर्शन के लिए आएंगे, उनको श्रद्धांजलि देने आएंगे, उनको सही जगह पहुँचाया जा सके, उनको डाइवर्ट किया जा सके। और इसीलिए 6A कृष्ण मेनन मार्ग, जो कि पिछले तकरीबन 14 सालों से अटल बिहारी वाजपेयी का निवास था, वहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लेकिन अटल जी का पार्थिव शरीर जब आज वहाँ पहुँचेगा, तो उसके बाद सीमित लोगों को वहाँ पर श्रद्धांजलि देने और अंतिम दर्शन की इजाज़त होगी, जिन लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया है राजनीतिक तौर पर या गैर राजनीतिक तौर पर। तमाम विपक्ष के नेता भी वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन जो अंतिम दर्शन के लिए विकल्प खुला होगा आम जनता के लिए, वो कल खुलेगा जब उनको सुबह 9 बजे 6A कृष्ण मेनन मार्ग, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का निवास स्थान है, वहाँ से कृष्ण मेनन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, जो कि पार्टी मुख्यालय, वहाँ ले जाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त अटल जी का पार्थिव शरीर कृष्ण मेनन मार्ग से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के लिए निकलेगा, तो ये तकरीबन ये 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और इस 10 किलोमीटर के स्ट्रेच के लिए भी बड़ी तादाद में लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटेंगे, ऐसा पुलिस प्रशासन का अनुमान है। और उसके मद्देनज़र भी बड़ी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन को करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग न केवल दिल्ली से बल्कि देश भर से दिल्ली पहुंचेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के दर्शन करने के लिए। और जब उनका पार्थिव शरीर कृष्ण मेनन मार्ग से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पार्टी के दफ्तर के लिए निकलेगा, तो ये सबसे ज़्यादा लोगों को आसान मौका होगा जब वे अटल जी के दर्शन खुले आसमान के नीचे कर सकेंगे, धरती के उस लाल के दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद तकरीबन 10 बजे एक घंटे का ये समय लग सकता है, ऐसा अनुमान है पार्टी के सूत्रों का और पुलिस प्रशासन का, कृष्णनंदन मार्ग से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जाने में 10 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक अटल जी का पार्थिव शरीर पार्टी दफ्तर में रखा जाएगा, और देश भर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जनता है उनके दर्शन के लिए उस समय पार्थिव शरीर खुला रहेगा। तकरीबन 2 बजे के आसपास अंतिम यात्रा शुरू होगी अटल जी की, और
दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बीजेपी दफ्तर से वो अंतिम यात्रा सीधे राजघाट के पीछे यमुना के किनारे राष्ट्रीय स्मृति तक जाएगी और इस दौरान तकरीबन फिर अनुमान है कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। हालांकि ये जो स्ट्रेच है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से राजघाट के पीछे राष्ट्रीय स्मृति का, ये तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का ही स्ट्रेच होगा, इससे ज़्यादा दूरी नहीं होगी। लेकिन इस बीच बड़ी तादाद में लोग तब तक देश के विभिन्न हिस्सों से, देश की राजधानी दिल्ली से बाहर से दिल्ली पहुंच जाएंगे, इसलिए बड़ी तादाद में लोग यहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। इसलिए जब ये अंतिम यात्रा शुरू होगी तो यहां पर तकरीबन 2 घंटे का वक्त लग सकता है और तकरीबन 4:30-5 बजे अटल जी का अंतिम संस्कार राष्ट्रीय स्मृति में भी होगा। हमारे सूत्र बताते हैं कि इसी जगह को राष्ट्रीय स्मृति को अटल पथ या विजय पथ, अटल घाट या विजय पथ नाम से अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि के रूप में भविष्य में विकसित भी किया जाएगा। तो कल का जो दिन है वो अटल जी की अंतिम यात्रा का दिन है और उस दिन बड़ी तादाद में देश भर से लोग दिल्ली पहुंचेंगे, इसलिए पुलिस प्रशासन को मुस्तैद किया गया है और पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को इस बात की सूचना और जानकारी दे दी है कि अटल जी के अंतिम दर्शन के लिए कल वे पार्टी दफ्तर पहुँच सकते हैं या फिर वे जब वे अपने घर से पार्टी दफ्तर जाएंगे और दफ्तर से जब अंतिम यात्रा के लिए निकलेंगे राष्ट्रीय स्मृति के, तब भी दर्शन कर सकते हैं। और इसके मद्देनज़र पुलिस प्रशासन को तमाम इंतजाम करने के आदेश भी दिए गए। जी, तो विकास जैसा हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, कल का दिन अटल जी की अंतिम यात्रा का दिन है, उनके पार्थिव शरीर को पहले उनके घर 6 कृष्ण मेनन मार्ग पर लाया जाएगा जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहां कुछ चुनिंदा लोग उनके दर्शन कर पाएंगे। इस बीच एक जानकारी दे दें, उत्तराखंड सरकार ने कल छुट्टी का ऐलान किया है। दरअसल शोक की वजह से सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे। अटल जी के सम्मान में कल छुट्टी का ऐलान किया गया है, कल अवकाश रहेगा, उत्तराखंड सरकार ने ये ऐलान किया है। और इस बीच हम आपको बता दें उत्तराखंड में सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे। और जैसा हम बता रहे हैं कि अटल जी के पार्थिव शरीर को कल उनके आवास पर रखा जाएगा, उसके बाद वहां से पार्टी मुख्यालय ले जाया जाएगा जहां दोपहर 2 बजे तक उनके अंतिम दर्शन पार्टी मुख्यालय पर किए जा सकेंगे और फिर वहां से आगे हम आपको बता दें उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। ये एम्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एम्स में अब भी अटल जी का पार्थिव शरीर मौजूद है। इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि उनके शरीर पर लेपन किया जा रहा है और अब यहां जिस तरह की हलचल दिख रही है, यहां से इस पार्थिव शरीर को, जैसा कि बताया भी जा रहा था कि 7:30 बजे तक ले जाया जाएगा उनके सरकारी आवास 6 कृष्ण मेनन मार्ग पर, जहां पर तैयारियां की जा रही हैं अटल जी के पार्थिव शरीर को रखने की, क्योंकि आज रात भी अटल जी के साथ राजनीतिक तौर पर जितने लोग जुड़े, उन्होंने काम किया, वो आकर अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, उसकी व्यवस्था की जा रही है। कल पार्टी दफ्तर में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक झलक शायद इन तस्वीरों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की दिखाई दी। एक दुखद खबर जो सामने आई कि अटल जी अब हमारे बीच नहीं रहे और उनकी अंतिम यात्रा में कोई कमी ना हो, पूरे राजकीय सम्मान के साथ इस विशाल हृदय वाले नेता को, इस बड़े व्यक्तित्व को देश दे आखिरी विदाई, इसकी तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कल अवकाश का ऐलान किया है, कल सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे। अटल जी के सम्मान में यह फैसला उत्तराखंड सरकार की तरफ से, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार की तरफ से लिया गया है। और इस बीच अटल बिहारी वाजपेयी की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अतीत की वो तस्वीरें जो अटल जी के व्यक्तित्व पर रोशनी डालती हैं और बताती हैं कि कितना बड़ा व्यक्तित्व उनका था। और यही वजह है कि आम लोग भी खुद को अटल जी से जुड़ा हुआ पाते हैं। कल 2 बजे, जैसा कि हमने आपको बताया, कल 2 बजे बाद अटल जी की अंतिम यात्रा शुरू होगी, राजघाट तक पहुंचेगी और राजघाट के निकट ही, समीप ही राष्ट्रीय स्मृति पर अटल जी का अंतिम संस्कार होगा। इससे जी अटल थे, अटल हैं और अटल रहेंगे, और जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम भी रहेगा और काम भी रहेगा। उनके प्रति जो श्रद्धा सुमन है वो हम सब निश्चित तौर से, पूरा देश आज दुखी है, पूरी दुनिया में जो लोग अटल जी और अटल जी के सैद्धांतिक प्रतिबद्धता के प्रति जानकार हैं वो उनको सर अंतिम संस्कार आज हम लोग तैयारी के लिए यहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं और कल उस संबंध में और भी जानकारी होगी वो दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना, अपने शब्दों में अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए। वो अभी दुख का माहौल है, गम का माहौल है, लेकिन अभी अंतिम विदाई, अटल जी की आखिरी यात्रा
जो सही तरह से हो, इसमें पूरा सम्मान अटल जी को मिले जिसके वो हकदार रहे हैं, पद से बड़े रहे अटल जी पूरे जीवन भर, और अब पूरे सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई देने की तैयारियां हो रही हैं। तस्वीरों में आप उनका सरकारी आवास देख रहे हैं, अटल जी का 6 कृष्ण मेनन मार्ग। शाम होते होते ये दुखद खबर आई कि अटल जी हमारे बीच नहीं रहे। 36 घंटों में उनकी हालत बहुत खराब हुई थी। आज सुबह से ही एम्स में लगातार बड़े बड़े नेताओं का जाना जारी था, सभी अटल जी के स्वास्थ्य कामना की दुआ मांग रहे थे, लेकिन दुखद खबर शाम होते होते आई कि अटल जी हमारे बीच नहीं रहे। तो आज रात उनके पार्थिव शरीर को इसी घर में रखा जाएगा, 6 कृष्ण मेनन मार्ग, ये उनका सरकारी निवास है। कल 9 बजे के करीब उनके पार्थिव शरीर को पार्टी मुख्यालय लाया जाएगा, और उसके बाद हम आपको बता दें वहां से दोपहर 2 बजे तक उनके अंतिम दर्शन बीजेपी मुख्यालय में किए जा सकेंगे अटल जी के, और फिर दोपहर 2 बजे से अटल जी की अंतिम यात्रा शुरू होगी राजघाट के लिए। एक बहुत विशाल व्यक्तित्व, ओजस्वी वाणी, बहुआयामी प्रतिभा के धनी, एक राजनेता जो सिर्फ एक सामान्य राजनेता नहीं थे बल्कि दलों से ऊपर उठकर एक अलग किस्म का उनका व्यक्तित्व था, हर कोई उनका सम्मान करता था। और आप देख सकते हैं आज के दिन चाहे कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, अटल जी के साथ बिताए लम्हों के बीच अच्छी स्मृतियां याद करने के लिए बहुत हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे। 94 साल की उम्र में आज शाम 5:05 पर उनका निधन हुआ, और ये तस्वीरें अंदर की, उनके निवास स्थान के अंदर की हैं। जो जगह आप देख रहे हैं, देखिए फूलों से इसे सजाया गया है, यहीं पर अटल जी के पार्थिव शरीर को, उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा, और फिर लोग आकर यहाँ अंतिम विदाई दे पाएंगे। और उनके इतिहास को अगर देखा जाए तो किस प्रकार से उन्होंने जो एक संबंध सबों से उन्होंने जो कायम किया है, और किसी भी व्यक्ति से अगर वो मिलते थे तो उनको अपना बना लेने का क्षमता वो रखा करते थे। तो आज भारत की राजनीति में आप कह सकते हैं एक बड़ा धरोहर हम लोगों ने खोने का काम किया है, और भारतीय राजनीति में एक युग का अंत हुआ। तेजस्वी यादव को आपने सुना, इसी तरह से हर कोई अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। भारतीय राजनीति के क्षितिज में सबसे लंबे समय तक चमकने वाले ध्रुव तारे के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को जाना जाएगा। अटल जी जो हमारे बीच नहीं है, ये उनके घर के भीतर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां उनके अंतिम संस्कार से पहले उनके अंतिम दर्शन के लिए तैयारियां चल रही हैं। ये वो जगह है जहां अटल जी के पार्थिव शरीर को एम्स से लाकर रखा जाएगा, इसे फूलों से सजाया जा रहा है, और इस जननेता को अपनी तरह से हर कोई आखिरी विदाई दे रहा है। ये वो घर है जिसमें अटल जी ने साल 2009 के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद अपना ज्यादातर वक्त बिताया। अभी 2 महीने पहले जब उनकी तबीयत बहुत खराब हुई तो उन्हें एम्स में भर्ती किया गया, और अब एम्स से आखिरी बार उनके पार्थिव शरीर को यहां लाया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। आज रात भर उनका शरीर उनके इसी घर पर रहेगा, 6 कृष्णा मेनन मार्ग पर, और कल अटल जी को पार्टी मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां आम लोग भी अटल जी के दर्शन कर पाएंगे, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे, और फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद अटल जी की आखिरी यात्रा, उनकी अंतिम विदाई शुरू होगी। एक अपूर्णीय क्षति, एक ऐसा शून्य जो भारतीय राजनीति में अटल जी के जाने से हुआ है, क्योंकि अटल युग का अंत हुआ है। बहुत कम ऐसे राजनेता होते हैं जिनके नाम के साथ एक युग को जोड़ दिया जाता है और कहा जाता है वो चैप्टर अब खत्म हुआ। रात बजने जा रहे हैं, एबीपी न्यूज पर लगातार हर एक तस्वीर आप देख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच नहीं रहे, देश नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है।
और ये तस्वीरें हम उनके घर के दिखा रहे हैं। 6 कृष्ण मेनन मार्ग दिल्ली की ये तस्वीरें, जहां पर पार्थिव शरीर कुछ ही देर में पहुंचेगा और उसके बाद अंतिम दर्शन यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के, जो नेता कार्यकर्ता हैं बीजेपी के या फिर जो आम लोग हैं, यहीं पर उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। कल ही अंतिम संस्कार किया जाएगा हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भवरों की बाहों में मेहमान है। 1988 में ये कविता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से तब लिखी गई थी जब वो अमेरिका में अपने किडनी के इलाज के लिए गए थे और वहां से धर्मवीर भारती को उन्होंने ये खत लिखा था। कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे। एम्स में अभी पार्थिव शरीर पर लेपन हो रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, और शाम 7:30 बजे पार्थिव शरीर उनके घर जाएगा जहां पर अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। और इसके अलावा और इस वक्त हमारे साथ लता मंगेशकर जी जुड़ चुकी हैं, और लता जी मैं चाहूंगी कि जाहिर तौर पर हम सभी के लिए ये बेहद भावुक कर देने वाला क्षण है, लेकिन इस मौके पर अटल जी को आप कैसे याद करना चाहेंगी? अटल जी को मैं जानती थी, उन्होंने मुझे बेटी बनाया था और मैं उनको दद्दा नाम से बुलाती थी, आज मुझे वो बहुत प्यार करती थी, मैं उनको मेरे पिताजी जैसे समझती थी, और मैं आज जितना मुझे दुख हो रहा है जी, ऐसा ही दुख मुझे जिस दिन मेरे पिताजी की डेथ हुई थी उस दिन हुआ था, इतना मुझे दुख है। एक महान लेखक, महान कवि और एक साधु पुरुष, बड़े अच्छे मन का, हमारे बीच में से निकल गया है, ये दुख मुझे बहुत 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 हो रहा है। लता जी, कोई ऐसी यादें जो अटल बिहारी वाजपेयी से आपकी बहुत गहरी जुड़ी हूं, उसको आप आज हम सब लोगों के साथ शेयर करना चाहें, बांटना चाहें? देखिए, मैं अटल जी से बहुत ज्यादा नहीं मिली हूँ, बहुत कम मिली हूँ, मैंने उनका गाना मतलब उनकी कविताएं रिकॉर्ड की है, वो रिकॉर्ड मैं उनको सुनाने गई थी, तो उसमें एक गाना हमने चुना था जिसके बोल थे, ठन गई मौत से ठन गई, तो वो सुनते दद्दा बहुत खुश हुए और उन्होंने गर्दन हिला के कहा, अरे बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है, पर घर के लोगों ने कहा नहीं नहीं, हमारे बाबूजी होते हुए हमको ये मौत से ठन गई नहीं चाहिए, तो उन्होंने मान लिया, कुछ बोले नहीं, पर वो गाना मैंने फिर बदल दिया और वो रिकॉर्ड रिलीज हुआ, जिस दिन रिलीज हुआ
उस दिन मैं भाषण देने के लिए खड़ी हुई तो मैंने लोगों को कहा कि मैं इनको अटल जी को अपने पिता समान मानती हूँ और वो भी मुझे बेटी मानते हैं। इसने एक बहुत अलग सी बात है कि देखिए अटल और लता ये दोनों उल्टे कर देने से एक नाम हो जाता है। मतलब जैसे A-T-A-L अटल और L-A-T-A लता, तो उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हुए। उन्होंने कैसे सूझा आपको? मैंने कहा सूझा नहीं, ये सत्य है और वाकई मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी और बहुत मेरे दिल में आपके लिए प्यार इज्जत और बहुत आप समझ नहीं सकेंगे इतना ज्यादा। तो लता जी हाँ जी एक महान राजनेता के तौर पर तो उन्होंने अपनी बहुत बड़ी पहचान हिंदुस्तान के इतिहास में बनाई ही, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता भी उनका बेहद खास रहता था अपने अपनों से। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपको बिल्कुल बेटी की तरह वो चाहते थे और आपने शब्दों के जरिए भी बताया कि जब आपने लता की स्पेलिंग उन्हें सुनाई तो वो कितने ज्यादा खुश हुए। पिता और बेटी का रिश्ता किन किन खास मौके पर, और साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कभी उन्होंने ये जिक्र किया कि लता तुम्हारा ये गाना बहुत पसंद आता है मुझे, या कभी भी इस तरह की कोई बातें हुई हूं आपसे? उनका जब हमने रिकॉर्ड सुनाया जी तो उनको सब गाने पसंद आए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, तो भी अच्छा है, इसमें कोई ऐसा गाना नहीं जो निकाल देना चाहिए। इतने खुश हुए वो। पर बाकी वो मेरे गाने के बारे में कभी ऐसा बैठ के बात नहीं करते थे कि तुमने फलानी पिक्चर में अच्छा गाया या ये किया, ये कभी नहीं बात हुई। बात तो ऐसी होती थी जैसे मैंने उनको कहा कि मैंने अपने पिताजी के नाम से हॉस्पिटल खोला है, मतलब हम मंगेशकर में, तो आप आके अगर उद्घाटन करेंगे तो हम बहुत अच्छी होगी। तो उन्होंने मान ली बात और आए। आके उन्होंने जब वो खड़े हुए बात करने तो उन्होंने कहा कि सबसे अजीब बात मुझे ये लग रही है कि लता मंगेशकर हॉस्पिटल खोले और मुझे ये बात दस्ती नहीं है, लता मंगेशकर का तो म्यूजिकल अकेडमी होनी चाहिए जी। ये कहा। और दूसरी बात उन्होंने बहुत मजेदार कही कि मैं विश करता हूँ कि आपका ये हॉस्पिटल बहुत बहुत अच्छा चले। अगर मैं ये कहूँ तो दूसरी तरफ एक बात होती है कि फिर इसका मतलब कि लोग भी इतने बीमार पड़े। तो ये जो उनका एक कवि की भाषा थी, उनके भाषण मैंने सुने हैं, वो बहुत अच्छा बोलते थे। उनकी आवाज अभी भी मेरे मोबाइल में उनके भाषण है कुछ, तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ उनको। उनकी आवाज में एक चुंबकीय आकर्षण था, जो भी सुनता था वो लगातार उन्हें बस सुनना ही चाहता था, लेकिन अब वो आवाज हम सबके बीच से कहीं गुम हो गई है। लता जी, यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने व्यक्तिगत रिश्तों का जिक्र किया, मैंने आपके गानों को लेकर सवाल पूछा, फिल्मों की भी वो बहुत शौकीन थे, और एक बार जनसंघ का चुनाव हारने के बाद आडवाणी जी से उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चले कोई फिल्म देख कर आते हैं, तो इस तरह का भी उनका व्यक्तित्व था, यानी कि कभी भी बहुत ज्यादा दबाव अपने ऊपर लेने की कोशिश नहीं करते थे वो, और हमेशा एक नया रास्ता बनाते थे जिस पर चलना जानते थे अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत क्या कहना चाहिए, वो बहुत उनका दिल बहुत बड़ा था और बहुत नरम था जी। बहुत अच्छे इंसानों में ऐसी चीजें मिलती है। अब भारत का जो नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी हानि हुई है उनके जाने से, और ये हानि कभी भी भर नहीं सकती है, इतने वो अच्छे थे।
ये एक अपूर्णीय क्षति है। मैं चाहूंगी, चूंकि आपने बहुत लंबा दौर राजनीति का भी देखा है, हालांकि आपका संगीत से ताल्लुक रहा है, लेकिन अगर राजनेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को आप किस तरीके से देखती हैं? राजनेता वो बहुत अच्छे थे, पर उनमें वो नेताओं में जो एक क्या कहूं मैं, एक अलग बात थी है, वो उनमें नहीं थे। वो सरल नेता थे, बिल्कुल बहुत सरल, ऐसे मुझे लगता है। वो सरल भी थे, वो सहज भी थे। कोई अगर उनसे मुलाकात करने के लिए जाता था तो वो सबके लिए उपलब्ध ही होते थे। शायद यही वजह है लता जी कि उन्होंने गठबंधन के साथ पहली बार 5 सालों तक जो सरकार चलाई उसके वो पहले प्रधानमंत्री बने गैर कांग्रेसी, और ये भी उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। जी, इसमें कोई शक नहीं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, बतौर राजनेता या प्रधानमंत्री रहते हुए संगीत की दुनिया को भी आगे ले जाने का काम उनकी ओर से कैसे किया गया, क्योंकि वो खुद कवि हृदय थे, उनकी कविताओं का अंबार है जिसको हम आप सभी गुनगुनाते हैं। आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी ओर से किस तरह से कदम उठाए गए, या आप लोगों से किस तरह से बातचीत वो करते थे कि संगीत के क्षेत्र को हिंदुस्तान में और आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, उनको हमारा म्यूजिक आगे बढ़ाने की कोशिश तो उनकी होगी, इसमें कोई शक नहीं। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि उन्होंने जो लिख के रखा है ना, वो गाने को मन करता है गाने वाले को। मतलब मैंने जब उनकी किताब पढ़ी तो मैं हैरान हो गई कि इतने अच्छे कविताएं हो सकती है। उन्होंने अपना बचपन भी लिखा है, उनके मन में क्या है वो भी लिखा है, मौत से वो ठन गई कहने की भी हिम्मत उनमें है। बिल्कुल। तो ये एक कवि कह सकते हैं। लता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये वो गाना है जो बीजेपी की वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है। आपका गाया हुआ ये गाना है जो अटल जी को बहुत ज्यादा पसंद था। अच्छा, मुझे मालूम नहीं, मुझे उन्होंने कभी कहा नहीं, पर सुन के मुझे अच्छा लगा। और भी अगर कुछ यादें, क्योंकि पूरा देश आपको सुन रहा है और ये एक ऐसा मौका है जब हम सब ने एक कवि हृदय, एक बहुत महान नेता हमारे बीच अब नहीं रहे, उनकी आवाज भी गुम हो गई, लेकिन उनके बताए रास्ते पर सभी चलते रहेंगे, कुछ और ऐसी यादें? देखिए, बहुत सारी यादें मेरे पास तो नहीं है क्योंकि मेरी मुलाकात बहुत कम हुई है उनसे, पर एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जी, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज मेरे पिताजी गए हैं और हमारे देश का एक साधु पुरुष आज यहाँ से चला गया है, और हम लोग बहुत ही निराश हो चुके हैं। बेहद सादगी के साथ उन्होंने अपने जीवन को आगे भी बढ़ाया था। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमने राजनीति की भी बात कर ली है, आपने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर भी रिश्तों को लेकर वो बहुत, आप भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे बीच नहीं रहे, इस तरह का बड़ा सम्मान भी देश की ओर से उन्हें दिया गया, किस तरह से इन सबसे ऊपर आप उन्हें पाती हैं? देखिए, ये सम्मान उनको अल्जाइमर होने से पहले मिलता तो बहुत खुशी होती। बहुत शुक्रिया लता, बहुत अच्छा लगता जी। लता मंगेशकर जी जो मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी, बहुत शुक्रिया लता जी आपका हमारे साथ अपनी ये तमाम यादें शेयर करने के लिए, हम सब के लिए, लता जी के लिए, पूरे देश के लिए, हिंदुस्तान की राजनीति के लिए यह अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। 3 बार तक देश की कमान संभालने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब हम सबके बीच नहीं रहे हैं। आपको ये भी बताते चले, राजधानी दिल्ली में कल सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई है, दिल्ली में कल सरकारी छुट्टी होगी, दिल्ली के स्कूल कॉलेज सब कल बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से दफ्तरों में भी छुट्टी का ऐलान किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन को देखते हुए देश में 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान हुआ है।
देश में 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। तिरंगा झंडा झुका रहेगा इस दौरान और सरकारी छुट्टी का ऐलान कल के लिए किया गया है राजधानी दिल्ली में। इस दौरान जितने भी स्कूल कॉलेज दफ्तर हैं सरकारी, वो सब के सब कल बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है और पूरे देश में, हिंदुस्तान में 7 दिनों का राजकीय शोक जिसका ऐलान किया गया है, अपने आप में एक अदम्य इच्छा शक्ति। और यहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्मृति में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके लिए वहां पर तैयारियां चल रही हैं। वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले सुमित्रा महाजन क्या बोल रही हैं अटल जी को याद करते हुए। तरीका हमेशा वो कहते थे कि टिकट नहीं मिला, नहीं मिले, कोई पद नहीं मिला, नहीं मिले, और इतने सहजता से समझाते थे कि अरे अपना कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। तो एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता के मन में आत्मविश्वास, और जितना सामान्य कार्यकर्ता के मन में आत्मविश्वास, उतना ही एक प्रकार से दुनिया में, यानी कांग्रेस की सरकार में उनको भेजा गया कि आप जाकर के भारत के वहां पे बात करो, ये विश्वास। और एक प्रकार से जब विदेश में जाते भी थे तो उनकी बात का एक वजन हुआ करता था कि अटल जी क्या बोलेंगे ये हमेशा। तो ऐसा ये व्यक्तिमत्व आज हमने खोया। बहुत बिरला ऐसा होता है व्यक्ति जो साहित्यिक क्षेत्र में भी अपना वजन रखे, या जिसको हम कहेंगे अपना एक परिचय का पदचिन्ह जिसका रहे, राजनीति के क्षेत्र में तो एक अपना स्थान जैसा एक बड़ा व्यक्तित्व खड़ा करे, सामाजिक क्षेत्र में भी सबको लगे ये कहीं ना कहीं अपना व्यक्ति है। संगठन बनाते समय कार्यकर्ताओं को, छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े पद के पद पे बैठे व्यक्ति को भी कोई लगे कि ये अपना कोई, ये जो एक अपनत्व का भाव उन्होंने फैलाया था, ये एक अटल जी ही करना जाने ऐसा लगता था। कई सारे बातें ऐसी होती थी कि जो लगता था ये तो अटल जी ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। ऐसा एक अनोखा अनूठा व्यक्तिमत्व और एक आदर्श व्यक्ति, राजनीतिक दृष्टि से भी आदर्श व्यक्ति, ऐसा आज हमने खोया है। और ऐसा लगता है कि भगवान भी जब कुछ बनाता होगा मनुष्य का व्यक्तिमत्व, तो बहुत मन से, बहुत लगन से जब हम कोई चीज़, ऐसी चीज़ें बहुत कम बनती है, ऐसे व्यक्तिमत्व लगता है ईश्वर के हाथ से भी बहुत कम बनते हैं। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को आप सुन रहे थे। इंदौर से सांसद हैं और लगातार सालों से वो वहां से जीत कर आ रही हैं। अपने ही शब्दों में, चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी केंद्र में, उस दौरान भी वो सांसद थी उसी पार्टी की, और अपने ही शब्दों में उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए, लालकृष्ण आडवाणी, अटल आडवाणी की जोड़ी एक समय पर बीजेपी के नाम से जानी जाती थी, उनकी ओर से किस तरह से अपनी श्रद्धांजलि दी गई है। मैं निःशब्द हूं अपने दुख को व्यक्त करने के लिए, जो मुझे भारत के सबसे बड़े स्टेट्समैन श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद हुआ है। मेरे लिए अटल जी वरिष्ठ साथी से कहीं ज्यादा थे। वास्तव में वो पिछले 65 सालों से मेरे सबसे करीबी दोस्त थे। उनके साथ बिताए पलों की याद आज भी ताजा है। उस दिन से लेकर जब हम लोग आरएसएस के प्रचारक थे और भारतीय जनसंघ की स्थापना तक, मुझे इमरजेंसी के दौरान वो संघर्ष भी याद आता है जब जनता पार्टी बनी और उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। अटल जी को पहले स्थायी गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकार बनाने के लिए याद किया जाएगा। मुझे उनके साथ 6 साल तक उनके नीचे काम करने का सौभाग्य मिला। मेरे वरिष्ठ होने के नाते उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित और मार्गदर्शन दिया। उनके आदर्श, नेतृत्व की क्षमता और प्रखर वक्ता, देशभक्ति से लबरेज, और इन सब के ऊपर उनका मानवीय क्षमताओं जैसे दया, इंसानियत और विरोधियों के वैचारिक मतभेद के बावजूद उन्हें अपना बना लेना, इन सब का मेरे सार्वजनिक जीवन पर बेहद गहरा असर रहा। मैं अटल जी को बहुत ज्यादा याद करूंगा। लालकृष्ण आडवाणी की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया है। अटल जी केंद्र में जब प्रधानमंत्री थे उस समय उप प्रधानमंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी। 65 सालों की ये दोस्ती अपने आप में बहुत सारी यादों को समेटे हुए होगी, और जाहिर तौर पर आगे आने वाले वक्त में हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आडवाणी जी की ओर से इसका जिक्र भी जरूर किया जाएगा। फिलहाल अंतिम संस्कार की तैयारियां भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए शुरू की जा चुकी हैं। वहां पर किस तरह की तैयारी चल रही है, आपको ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण जैन।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आज एम्स में शाम 5:05 पर अंतिम सांस ली। इस वक्त हम शांतिवन की रेड लाइट के पास राष्ट्रीय स्मृति पर मौजूद है। आपको बता दें राष्ट्रीय स्मृति पर ही जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। आप देख सकते हैं जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है और अंदर जो सफाई है उसका काम बेहद तेजी से चल रहा है। जो दिल्ली पुलिस के जो जवान है और जो दूसरी एजेंसीज है वो यहाँ पर आकर पूरा मुआयना कर रही है राष्ट्रीय स्मृति का। इस वक्त हमारे साथ रमेश भिदूड़ जी है। सर, अंतिम संस्कार यहीं पर होगा, किस तरह की रूपरेखा है ये डिफेंस मिनिस्ट्री तय करेगी। वो राष्ट्र की संपत्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री देश के हैं और निर्विरोध निर्विवाद नेता रहे हैं, तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री तय करेगी। हमारी इच्छा होगी कि यमुना के किनारे उनका अंतिम संस्कार हो। हमें प्रेरणा देकर एक विचार को लेकर वो आगे बढ़े थे, अंतिम व्यक्ति के उदय होने वाले विचार को लेकर दीनदयाल जी के सपनों को पूरा करने के लिए, और दुनिया में अहिंसावादी स्थिति पैदा हो पाकिस्तान भी वो लेकर संदेश उन्होंने भेजा था कि आप बाज आ जाइए पाकिस्तान ने, लेकिन पीठ में छुरा घोपा धोखा दिया। तो हम यही चाहेंगे, लेकिन वो डिफेंस मिनिस्ट्री तय करेगी उनका अंतिम समय का कुछ तय हो पाया है कि समय नहीं अभी तो अंतिम दर्शन के लिए उनकी बॉडी को उनके घर लाया जाएगा, उसके बाद केंद्रीय कार्यालय में कल दर्शनों के लिए रखा जाएगा, दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार होगा, फिर ये डिफेंस मिनिस्ट्री तय करेगी। डिफेंस मिनिस्ट्री जो पूरी रूपरेखा है वो तय करेगी किस समय जो अंतिम संस्कार है वो होगा, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। खुद जो डीसीपी नूपुर प्रसाद है वो यहाँ पर मौजूद है और जो सिक्योरिटी है उसका मुआयना किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर दी गई है और जो सिक्योरिटी है उसको यहाँ पर बेहद कड़ा कर दिया गया है। कैमरामैन डीसी मंजू के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रीय स्मृति जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा दोपहर बाद, जैसा कि रमेश भिदूड़ी सांसद दिल्ली के वो जानकारी दे रहे थे, वहां पर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। फिलहाल आपको बताते चलें कल राजधानी दिल्ली के जितने भी बाजार हैं वो सभी बंद रहेंगे। दिल्ली के बाजार भी कल बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। व्यापारी संघ की ओर से इस बारे में ऐलान किया गया है और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी श्रद्धांजलि दे रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। The coalition of a large number of parties and completed full 5-year terms and another year as coalition leader. From 1999 to 2004, he was the leader of the coalition. Before that 1 year, he led the coalition and lost the no confidence vote by one vote only. Before that, of course, he was Prime Minister as the leader of the single largest party for a very short period of time. The quality of Atal Bihari Vajpayee was, apart from his parliamentary skill, excellent oration, deep sense of humor and wit, and majestic command of her Hindi language. Of course, he was a poet. He carried convictions with everybody and a great conscience keeper of our time. No doubt, the country will be poorer in the loss of Atal Bihari Vajpayee, who traded Indian political arena like a colossus for almost 6 decades. I pay my deepest regard to this great son of India. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आप सुन रहे थे, अपने ही शब्दों में उन्हें याद किया गया। उन्होंने कहा कि किस तरह से पहले गैर कांग्रेसी वो नेता रहे जिन्होंने पूरे 5 सालों तक एनडीए बनाकर अपनी सरकार चलाई, और इस तरह से एक के बाद एक कई बड़े नेताओं की ओर से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1998 में पहली बार जब वो चुनाव जीते थे, आपको बता दें कि उस दौरान दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी देश में प्रधानमंत्री बने थे, उनकी ओर से कैसे श्रद्धांजलि दी गई अब जरा वो सुनते हैं। हम
अटल जी नहीं रहे और अब उनकी यादें ही बची हुई हैं। मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी, अभी जब आप हम लोगों से बात कर रहे थे, हम देख रहे थे कि आप भावुक हो रहे थे, आपकी आंखें भी भर रही थी। कैसे याद कर रहे हैं अटल जी को, अब कैसी स्मृतियां उनकी आपके यादों में अब बची हैं? देखिए, अटल जी के साथ हम लोगों का जो है एक बहुत ही आत्मिक रिश्ता था। ये हमारा सौभाग्य है कि 1998 में पहली बार जब मैं सांसद बना था तो अटल जी प्रधानमंत्री पद की शपथ दूसरी बार लिए थे। उनके मार्गदर्शन में एक लंबे समय तक हमें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था और उत्तर प्रदेश में जो कुछ प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अटल जी का विशेष लगाव था, यद्यपि पूरे उत्तर प्रदेश से उनका बहुत आत्मिक लगाव था, लेकिन जिस गोरखपुर से मैं स्वयं सांसद रहा हूं वहां से भी उनका आत्मिक लगाव था। जब भी वह आते थे, मठ में आते थे, जब भी उनका उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी कार्यक्रम में उन्हें बुलाया जाता था, मेरे गुरुजी के साथ उनके जो आत्मिक संबंध थे, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता अटल जी के साथ बहुत, क्योंकि जनसंघ की स्थापना के समय से लेकर के अब तक राजनीति में इतनी लंबी पारी खेलने वाला कोई दूसरा नेता किसी भी राजनीतिक दल में नहीं रहा है, तो स्वाभाविक रूप से अटल जी के साथ जो आत्मिक संबंध रहे हैं और उत्तर प्रदेश से जो उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों उत्तर प्रदेश रही है, इसलिए यह लगाव और भी महत्वपूर्ण हम सब के लिए हो जाता है, इसलिए हम लोगों की व्यक्तिगत क्षति भी है और इस क्षति को कभी भरा नहीं जा सकता। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई व्यक्तिगत आपका अनुभव हो जो आपको इस वक्त याद आ रहा हो, अटल जी से जुड़ा हुआ कोई ऐसी बात हो जो आपको याद आ रही हो। देखिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। मैं 2004 का लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, गोरखपुर में अटल जी पहले के चुनाव में गोरखपुर में रैली करते थे, उससे पूरा ईस्टर्न यूपी कवर हो जाता था। तो उस बार अटल जी की रैली गोरखपुर में पहले चरण में नहीं हुई, मैं एक चुनावी कार्यक्रम में जा रहा था तो मुझे एयरफोर्स के एक अधिकारी ने सूचना दी कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और क्या आप मिलना चाहेंगे। मैंने कहा भी प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में, कहा कि हाँ उनको कहीं सभा में जाना है तो उनका जो प्लेन है वो यहाँ लैंड करेगा, यहाँ से हेलीकॉप्टर से निकलेंगे। तो मैं तत्काल अंदर गया, 15 मिनट के बाद उनका जहाज लैंड किया। लैंड करते ही जैसे वे नीचे उतरे, उसके बाद मैं वहाँ पे खड़ा था तो तुरंत बोले कि मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे गुरुजी से करूँगा और तुम्हारे कारण मुझे जगह जगह जाना पड़ रहा है। पहले मैं केवल गोरखपुर में रैली करता था और मुझे बताया गया कि आपने कहा है कि रैली गोरखपुर में आवश्यकता नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, मैं तो रैली के लिए आवेदन किया हूँ। वे जोर से हंसे, कार्यक्रम में चले गए। शाम को वापस उनका फ़ोन आया, कहा कि मैं 2 दिन के बाद गोरखपुर में रैली करने आ रहा हूँ जिससे मुझे अन्य जगह न जाना पड़े। और 2 दिन के बाद फिर उनकी रैली गोरखपुर में हुई थी। कितना आत्मीय लगाव था, वास्तव में एक पितृतुल्य लगाव उनका हर एक सांसद के प्रति था, हर एक कार्यकर्ता के प्रति था। और इसलिए अटल जी हुए हैं, उनकी कोई तुलना उस कालखंड के राजनीति में नहीं हो सकती है। इसलिए अटल जी का निधन एक अपूर्णीय क्षति है भारतीय राजनीति की और राजनीति के एक महायुग का अंत भी है। यूं तो अटल जी पूरे देश के थे लेकिन उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रही, कर्मभूमि भी देश रही लेकिन उत्तर प्रदेश से उनका एक अलग रिश्ता था। आप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो अटल जी की यादें उत्तर प्रदेश में कैसे आप आगे करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को अटल जी याद रहे। देखिए, इसमें हम लोग बहुत शीघ्र इसके बारे में बैठने वाले हैं। अटल जी की जन्मभूमि बटेश्वर भी उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद में है, जहाँ से उन्होंने अपने कॉलेज की शिक्षा अर्जित की है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है, पहला लोकसभा चुनाव बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है, प्रधानमंत्री लखनऊ में सांसद चुने जाने के बाद सरदार अटल जी बने थे। तो इन सब क्षेत्रों में और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी
अटल जी की स्मृतियों को संजीव बनाए रखते हुए आने वाली पीढ़ी इस विराट व्यक्तित्व की और राजनीति में मूल्यों और सिद्धांतों और आदर्शों की प्रतिमान सदैव अटल जी के उस विराट व्यक्तित्व से प्रेरणा प्राप्त कर सके, इसके लिए बड़ी कार्य योजना हमारी सरकार बनाने जा रही है और हम इसको लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे थे अटल जी और आने वाली पीढ़ियां अटल जी को याद रखेंगी। कैमरामैन मनोज के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज दिल्ली। जैनेन्द्र कुमार, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की, उन्होंने बहुत सारी अपनी यादें भी साझा की, साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से पहली बार बलरामपुर से, जो कि गोरखपुर के पास ही है, वहां से अपना पहला चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे थे। आपको बता दें, अपने अपने शब्दों में जितने भी बड़े राजनेता हैं वो याद कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। गुलाम भारत के ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रही। कानपुर से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और लखनऊ, जहां से वो चुने गए और देश के प्रधानमंत्री बने। अब तक का अपडेट आपको जल्दी से बता देती हूं। थोड़ी ही देर में पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाएगा, वहां पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। 6 कृष्ण मनन मार्ग दिल्ली में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। घर पर कुछ खास लोग ही अंतिम दर्शन कर सकेंगे, लेकिन कल सुबह पार्थिव शरीर को बीजेपी मुख्यालय लेकर जाया जाएगा। वो बीजेपी जिसको 1984 में 2 सीटों से 282 सीटें 2014 में हमने देखा किस तरह से इस बीजेपी ने तय की, उस बीजेपी के मुख्यालय में पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और कल 10 बजे सुबह से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन लोग कर पाएंगे बीजेपी मुख्यालय राजधानी दिल्ली में। दोपहर 2 बजे से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए भी देश के कोने कोने से लोग पहुंचेंगे। शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह अब तक की जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। इस दौरान तिरंगा झंडा झुका रहेगा। कल 15 अगस्त आपको बता दें, छह बार लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश को संबोधित किया प्रधानमंत्री रहते हुए। फिलहाल कल राजधानी दिल्ली में छुट्टी कर दी गई है, बाजार भी बंद रहेंगे। व्यापारी संघ की ओर से बाजार बंद का ऐलान किया गया है। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, बोर्ड पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भवरों की बाहों में मेहमान है। ये कविता 1988 में अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय लिखी थी जब वो किडनी के इलाज के लिए अमेरिका गए हुए थे, और धर्मवीर भारती को चिट्ठी लिखकर उन्होंने इस कविता का जिक्र करते हुए अपने दर्द को बयां किया था। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिनेश शर्मा बोल रहे हैं, सुनते हैं। और घर में जैसे किसी बुजुर्ग कोई बीमार भी पड़ जाए तो जब तक वो बिस्तर पे भी रहता है तो लगता है कि घर में अभी भरापन है, अभी किसी का साया अपने ऊपर है। लेकिन जब वो नहीं रहता है तो लगता है कि अब वो बड़े का साया उठ गया है। पार्टी बीजेपी के जनक हैं अटल जी, सृजनकर्ता हैं, निर्माता हैं। जनसंघ में लोग सोचते थे कि पंडित दीनदयाल जी के बाद में क्या होगा, शून्य दिखाई पड़ता था। अटल जी ने शून्य को भरा है और पल्लवित किया, पुष्टफित किया।
बीजेपी का सबके बीच में अटल जी हमेशा निश्चित रूप में अटल जी अपने शब्दों में, अपने क्रियाकर्म में, अपने कृतित्व और व्यक्तित्व में हमारे बीच में रहेंगे। मैं यही कहूंगा कि शरीर नहीं है लेकिन विचार हैं, और आप देखेंगे कि वर्षों वर्षों तक देश में नहीं पूरी दुनिया में गांधीयन थ्योरी पर एक जैसे विचार हम लोग आज भी करते हैं गांधी जी के, उस पर तमाम महापुरुषों पर, अटल जी के एक एक शब्दों पर इसी प्रकार से शोध होगा और लोग उससे प्रेरणा पाएंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, दिनेश शर्मा की ओर से अपने ही शब्दों में याद किया गया है और उन्होंने कहा है कि जनसंघ को जिस तरह से वो आगे लेकर गए, संस्थापक सदस्यों में से रहे थे जनसंघ के और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने निर्माण किया, और आज वो बीजेपी जिसने 1984 में दो सीटें जीती थी 282 तक पहुंची, तो उसके पीछे का संघर्ष अटल बिहारी वाजपेयी का ही था। अटल जी हम सबके बीच नहीं रहे, आम से लेकर खास हर कोई अपने अपने शब्दों के जरिए उन्हें याद कर रहा है। आपको बता दें पहला चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1955 में चुनाव लड़ा था लेकिन वो चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद जो दूसरा चुनाव लड़ा 1957 में बलरामपुर से वो चुनाव जीते, 10 बार लोकसभा के लिए चुने गए अटल बिहारी वाजपेयी, 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए, 3 बार देश की बागडोर संभाली, 1 बार 13 दिनों के लिए, दूसरी बार 13 महीनों के लिए, और उस 13 महीनों के अपने कार्यकाल में आपको बता दें अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, परमाणु परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया था, कुछ देशों ने हम पर प्रतिबंध भी लगाए लेकिन हमने बतौर देश हिंदुस्तान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार आगे बढ़ते चले गए। 1999 में 24 दलों के साथ मिलकर अटल जी ने सरकार बनाई और उस समय उनकी बहुत आलोचना की जाती थी, कहा जाता था कि ये मुमकिन ही नहीं कि इस तरह से दलदल को मिलाकर कोई सरकार चला ले 5 सालों तक, लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी का कद ही था, उनका व्यक्तित्व था जिसकी वजह से पूरे 5 सालों तक, सोचिए अलग अलग दलों के 24 दलों के साथ उन्होंने मिलकर पहली गैर कांग्रेसी 5 सालों तक सरकार चलाई। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार सरकार की ओर से कल छुट्टी का ऐलान किया गया है, बिहार में भी कल छुट्टी रहेगी। उत्तराखंड सरकार की ओर से निर्णय लिया गया, दिल्ली सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है और बिहार में कल छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। सीधे रुख करेंगे निपुण सहगल, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के आवास के बाहर वो मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां अंदर निपुण आप देख पा रहे हैं और किन किन लोगों की इस वक्त वहां पर मौजूदगी है? देखिए तैयारियों की जहां तक बात है तो अंदर जो ये जो गेट है इसी से लोगों का आना जाना हो रहा है और बड़ी संख्या में डिग्निटरीज आ रहे हैं। अभी एक राज्यपाल की तरफ से भी भेजे गए जो पुष्पों की माला है उसे हमने देखा कि वो यहां पर अटल जी के यहां पर पहुंचाई गई है, और खास बात ये है कि यहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर जहां से यह गली शुरू होती है कृष्णा मेनन लेन, वहां पर बैरिकेड लगाया गया है और कोई भी वीआईपी जो है उसकी कार को वहीं रोका जा रहा है, वहां से लोग पैदल चलकर आ रहे हैं। अंदर बंदोबस्त किए गए हैं, एक बड़ा सा टेंट लगाया गया है और लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, तो तमाम लोग यहां पर जमा होते जा रहे हैं और कुछ क्षण में जो है अटल जी के शरीर, पार्थिव शरीर के यहां पर पहुंचने की बात कही जा रही है। कुछ ही देर के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचेगा, जिसमें कुछ लोग ही होंगे जो उस वक्त उनके दर्शन कर पाएंगे और पार्थिव शरीर को कल लेकर जाया जाएगा राजधानी दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में, जहां पर उनका पार्थिव शरीर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और कल शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है। कितना सरल और सहज व्यक्तित्व उनका था तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ देर में अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर जो उनके घर पर ले जाया जाएगा उसके लिए भी खास तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, और आज सुबह जब मैं एम्स गई थी उस समय भी हमने देखा था किस तरह से नेताओं के वहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी था, हर आमो खास उनके सेहत के बारे में जानकारी लेना चाहता था, सब लोग दुआ भी कर रहे थे, लेकिन एक वक्त के बाद दुआ भी काम नहीं आती है, शायद यही वजह है कि आज शाम 5:05 पर हम सबको छोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी शून्य में चले गए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अपने आप में बेहद खास हैं, अटल युग का अंत हो चला है लेकिन एक विचारधारा के तौर पर उनकी जो बातें हैं हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जेहन में हम सबके बीच याद किए जाएंगे।
कभी भी अपने जीवन में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा आगे बढ़ते गए। और जब 13 दिनों की और 13 महीनों की सरकार का दौर था, उस वक्त भी उनके चेहरे पर न किसी तरह की निराशा थी और न ही किसी तरह की हताशा थी। उनके कविताओं के जरिए भी उनकी बातों को आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड में कल छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे थे। झारखंड में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, जहां पर कल छुट्टी का ऐलान किया गया है। 7 दिनों का राजकीय शोक भी होगा। इस दौरान तिरंगा झंडा झुका रहेगा। एक युग पुरुष का इस तरह से जाना जाहिर तौर पर एक अपूर्णीय क्षति हिंदुस्तान के लिए, राजनीति के लिए, यही वजह है। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। और ये तस्वीर लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल आडवाणी, डॉक्टर जोशी, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे एक दौर में लगा करते थे। और उन नारों की बदौलत अटल जी ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई। आपको बता दें कि 1996 में जब 13 दिनों की सरकार बनी थी, उस समय बड़े चेहरे के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे बीजेपी के, लेकिन जब बीजेपी को इस बारे में एहसास हुआ कि अटल जी का चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिसके बलबूते बीजेपी की राजनीति काफी ज्यादा आगे बढ़ सकती है, तब 1998 में अटल जी को बीजेपी ने अपना चेहरा बनाया। और उसके बाद उस समय उन्होंने 24 दलों के साथ मिलकर, जिनमें से एक शिवसेना भी थी, उन दलों के साथ मिलकर 13 महीनों तक की अपनी सरकार चलाई। और उसके बाद 1999 में जब वो फिर से चुने गए, तीसरी बार जब उन्होंने देश की बागडोर संभाली, तब पूरे 5 साल यानी कि साल 1999 से लेकर 2004 तक उन्होंने अपनी गठबंधन के साथ सरकार चलाई। और ये अपने आप में बेहद खास, क्योंकि और ये कांग्रेस के नेताओं को आप देख पा रहे हैं, कमलनाथ जी कुछ पढ़ रहे हैं, एक बार सुनते हैं। हम सब उम्मीद का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। कांग्रेस के तमाम नेताओं को आप देख रहे थे, सुन रहे थे। आपको बता दें 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं से उनके अलग ही संबंध रहे थे। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को एक ब्रिटिश शख्स से जब मुलाकात करवाई थी, तो उन्होंने कहा था कि इस लड़के का बहुत उज्जवल भविष्य है। फिलहाल आपको बता दें, एक और बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में भी कल छुट्टी का ऐलान किया गया है। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली के साथ ही कल मध्य प्रदेश में भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। और इस तरह की उम्मीद की जा रही है कि बाकी के जितने दूसरे राज्य हैं, चूंकि एनडीए ही शासित है 18 राज्यों में हिंदुस्तान के, तो हर जगह से इस तरह की खबरें जरूर आएंगी। और इसके अलावा भी जो दूसरे दलों की सरकार जहां पर इस वक्त कायम है दूसरे राज्यों में, वहां से भी इस तरह की जानकारी सामने आ सकती है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ किसी एक पार्टी के नहीं थे, वो देश के थे। और यही वजह है कि अपने अपने शब्दों में, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो उन्हें याद रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अटल जी के घर से, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेगा, उसके बाद वहां पर अंतिम दर्शन उनके पार्थिव शरीर के किए जा सकेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों की यहां पर मौजूदगी नहीं होगी, क्योंकि कल का समय निर्धारित किया गया है बीजेपी मुख्यालय का, जो नया मुख्यालय बीजेपी का बना हुआ है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन वहां पर जाकर लोग कर पाएंगे, और उसके बाद फिर उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी शाम 5 बजे। महबूबा मुफ्ती इस वक्त कुछ बोल रही हैं, एक बार सुनते हैं। पहली बार एक हमारे मुल्क के वजीर आजम, जो एक तो वजीर आजम तो थे, पर एक अजीम इंसान होने के साथ साथ एक ऐसा दिल भी रखते थे कि पहली बार उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के तकलीफ को दिल से महसूस किया। और यही वजह है कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के मसले के हल के साथ साथ वो इंसानियत की बात करते थे। और इतनी कोशिश उन्होंने अपने वक्त में की, इतना उनका जो अकीदा सख्त था, उनका कन्विक्शन, कमिटमेंट, करेज, जिसको कहते हैं बीजेपी और आरएसएस के होने के बावजूद, उससे ताल्लुक रखने के बावजूद, आपको याद होगा कि किस तरह उन्होंने लाहौर बस लेके चले गए मीनार पाकिस्तान के पास, न सिर्फ पाकिस्तान को तस्लीम करने की बात की, जो आज तक कभी हुआ नहीं था, बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कई उनको इम्तिहान देने पड़े, करगिल हो गया, आगरा में फिर से बुलाया, उसके बाद पार्लियामेंट पे हमला हो गया, उसके बाद पाकिस्तान खुद चले गए। और पहली बार एक वजीर आजम, इस मुल्क के वजीर आजम ने
जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की कोशिश की, वो डंडे से उन्होंने नहीं कोशिश की कि कोई मार कुटाई से ही मनाना है, बल्कि दिल जीतने की कोशिश की। और उसमें सबसे बड़ी कामयाबी उनकी ये थी कि पहली बार, जैसे मुझे मुफ्ती साहब बार बार बताते थे, कि उन्होंने ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर के मसले का हल जो है बॉर्डर तब्दील किए बगैर कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि फिर मुजफ्फराबाद खोलने की बात हो गई, रावला कोट की बात हो गई, तो उससे पहले तो कश्मीर के मसले के हल की कोई बात ही नहीं करता था। तो मैं समझती हूँ कि जो जिसको आज भी जो हमारा माहौल है पूरे मुल्क में जो है, लोग जो हैं, एक माहौल बना है पाकिस्तान के खिलाफ जो एक बड़ा नेगेटिव माहौल बना है, तो वाजपेयी जी ने यू नो ही ट्राई टू राइज अबव एवरीथिंग एंड ही ट्राई टू रीच आउट टू पाकिस्तान एट एनी कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि उनको मालूम था। महबूबा मुफ्ती श्रद्धांजलि देते हुए, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एम्स की, जहां से पार्थिव शरीर अब सीधे उनके घर लेकर आया जाएगा। आपको बता दें आज राजधानी दिल्ली के इसी एम्स में शाम 5:05 पर अटल जी ने अंतिम सांस ली, और इसके पहले 11 जून से यानी कि पिछले 66 दिनों से वो इसी एम्स में भर्ती थे। बीच में उनकी सेहत में सुधार जरूर हुआ, लेकिन पिछले 36 घंटे में उनकी हालत लगातार बिगड़ती भी चली गई, और आज शाम 5:05 पर राजधानी दिल्ली के इसी एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। एम्स से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये काफिला गाड़ियों का आपके सामने है। कुछ ही देर में अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर गुजरेगा राजधानी दिल्ली की सड़कों से, और वो सीधे पहुंचेगा उनके आवास 6 कृष्ण मेनन मार्ग, जहां पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। हालांकि वहां पर कुछ खास लोग ही, परिवार के और कुछ खास नेताओं की ही मौजूदगी होगी, बाकी लोग उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन अगर करना चाहते हैं तो वो कल सुबह 10 बजे से 2 बजे तक राजधानी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कर सकते हैं। वहां पर भी खास तैयारियां इस चीज को लेकर की गई हैं, क्योंकि देशभर से कार्यकर्ताओं और नेताओं के जुटने का सिलसिला भी जारी है, जब से ये खबर आग की तरह फैली है पूरे देश में। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एम्स से लाइव तस्वीरें, जहां पर कुछ ही देर के बाद पार्थिव शरीर अटल बिहारी वाजपेयी का यहां से निकाला जाएगा, लेकर जाया जाएगा, और उसके बाद पूरे सम्मान के साथ परिवार के सदस्यों के बीच रखा जाएगा पार्थिव शरीर, ताकि सभी उनके अंतिम दर्शन कर पाएं। सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं, मीडिया कैमरे वहां पर लगे हुए हैं, अब देश विदेश की मीडिया का वहां पर जमावड़ा है। आज सुबह मैं भी वहां पर गई हुई थी, और हमने दिखाया भी एबीपी न्यूज पर लगातार कि किस तरह से हर आमो खास वहां पर पहुंच रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जानकारी लेना चाहता था। इसके पहले महबूबा मुफ्ती ने जो बड़ी बातें कही, आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी ने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार गिर गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, इसकी बात अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से हमेशा की जाती रही है। और ये एम्बुलेंस हम आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है इसी के जरिए पार्थिव शरीर इसमें रखा जाए अटल जी का, और उसके बाद उसको लेकर जाया जाए। साल 2003 का एक वाकया आपसे मैं जरूर यहां पर शेयर करना चाहूंगी, जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान जा रही थी, उस समय अटल जी ने बतौर प्रधानमंत्री उस टीम को एक बल्ला गिफ्ट किया था, और साथ ही अपनी टीम के खिलाड़ियों से ये कहा था कि आप न सिर्फ मैच जीतिए बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा पाकिस्तान के खिलाड़ियों का दिल जीतिए, और दिल जीत कर आप वापस लौटिएगा। तो इस तरह की एक बहुत बड़ी शख्सियत अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे। पाकिस्तान ने कई बार हमें धोखा दिया, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए करगिल हुआ, उसके बाद हमने देखा था 2001 में किस तरह से भारतीय संसद पर हमला किया गया, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर की जो इंसानियत थी और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर हमेशा से ही वो एक बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए एम्स की तस्वीर, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर अब यहां से निकाला जा रहा है, और कुछ ही देर में 6 कृष्ण मेनन मार्ग उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है इसी एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर हो, हालांकि जैसे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जानकारी देंगे इस बारे में, मैं आपको कंफर्म करूंगी। लेकिन वहां पर सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे हुए थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लगातार वहां पर बने हुए थे, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे, तमाम दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी जाकर वहां पर उनका हालचाल जाना। लेकिन शाम तक यह खबर आई कि अटल जी अब हमारे बीच नहीं रहे। शाम 5:05 पर राजधानी दिल्ली के इसी एम्स में उन्होंने आखिरी सांस दी। 11 जून से वहां पर वो भर्ती थे,
उनकी सेहत में सुधार नहीं देखा जा रहा था। पिछले 36 घंटे में जो जानकारी एम्स प्रशासन की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर हम सभी को दी गई, उसमें इस बात का जिक्र था कि 36 घंटे से डॉक्टर्स की ओर से अथाह कोशिश की गई उन्हें बचाने की, लेकिन उनकी सेहत में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं देखा गया। और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अटल निवास की तस्वीरें, जहां पर कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा एम्स से। एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर लेकर जाया जाएगा अटल निवास। और वहीं दूसरी तरफ अटल जी अमर रहे के नारे लगातार लग रहे थे, न सिर्फ एम्स के बाहर बल्कि देश के बाकी दूसरे भी हिस्सों में। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। और ये तस्वीरें एम्स के बाहर के हम आपको दिखा रहे हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर कुछ ही देर में यहां से एम्बुलेंस में लेकर जाया जाएगा 6 कृष्ण मेनन मार्ग, राजधानी दिल्ली, जो उनका आवास है वहां पर। और वहां पर पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कुछ लोग कर पाएंगे, उसमें परिवार के लोग शामिल होंगे, उसमें बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे, लेकिन अगर कार्यकर्ता या दूसरे जो भी लोग अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो वो कल सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बीजेपी मुख्यालय जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। 94 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने आज शाम 5:05 पर एम्स में अंतिम सांस ली। और वहीं की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि शरीर पर पहले लेपन का काम किया गया, पूरे शरीर पर लेपन किया गया, और उसके बाद अब उनका पार्थिव शरीर कुछ ही देर में यहां से लेकर जाया जाएगा उनके निवास स्थान पर। सीधे रुक करेंगे एम्स का ही, जहां से विकास भदौरिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकास, आज सुबह से ही हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास, कितनी देर में पार्थिव शरीर यहां से लेकर जाया जाएगा उनके निवास स्थान, किस तरह की जानकारी मिल रही है? देखिए, किसी भी वक्त अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर मोर्चरी से निकल कर, चूंकि यहाँ पर उनके शरीर पर लेप लगाया जा रहा था 2 दिन तक शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, आज रात तक वे अपने घर पर रहेंगे और घर पर के लिए उनके करीबी लोग और राजनीतिक लोग यहाँ पहुंच सकते हैं, जबकि आम जनता के दर्शन के लिए, कार्यकर्ता के दर्शन के लिए कल पार्थिव शरीर को पार्टी दफ्तर, पार्टी मुख्यालय में रखा जाएगा। तो अब से कुछ देर बाद माना जा रहा है कि वाजपेयी जी के पार्थिव शरीर को एम्स से सीधे उनके घर 6A कृष्ण मार्ग के लिए रवाना किया जाएगा। और इसी बात का इंतजार हो रहा है, फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते होंगे कि जो उनके काफिले की एक गाड़ी है, एम्बुलेंस है, वो वहाँ मोर्चरी के बाहर खड़ी हुई है, जिसमें उनके पार्थिव देह को रखकर उनके निवास स्थान पर ले जाया जाएगा। परिवार के सदस्यों की वहां पर मौजूदगी होगी, क्या कोई नेता भी वहां पर, बीजेपी के कुछ नेता भी वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और कौन कौन से लोगों की इस वक्त एम्स के बाहर मौजूदगी है? विकास, अभिनेता धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। धर्मेंद्र जी, अटल जी अब हम सबके बीच नहीं रहे, किस तरह से आप उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे सदमा हुआ सुनकर, सो सैड टू हियर दिस न्यूज। मेरे लिए वो बहुत इतने करीब थे, मैं बता नहीं सकता। मैंने जो पॉलिटिक्स में भी गया था, उन्होंने बुलाया था मुझे, उनके प्यार के लिए गया था मैं। और एक महान इंसान थे, ऐसे देश से भी इतना प्यार करने वाले। अब इस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा मैं क्या बोलूं। धर्मेंद्र जी, मैं चाहूंगी आपसे, आपकी उनसे जुड़ी हुई कोई भी ऐसी याद जो आपके जेहन में हमेशा ताजा रहती हो, अगर उसका आप जिक्र करना चाहें। आपने कहा कि राजनीति में वही आपको लेकर आए थे, और भी कुछ बहुत सारी यादें आपकी जुड़ी होंगी, मैं चाहूंगी कि आप उनका जिक्र जरूर करें। वो फिल्मों की भी बहुत शौकीन थे, हमेशा जब जब फंक्शन में मिलते थे, मैं जाता था किसी भी, तो मुझे हमेशा उत्तर मिलते थे, गले से लगा के धर्मेंद्र कह के मुझे गले लगाते थे, और इतना अपना समझते थे कि मैं बता नहीं सकता। मैं चला भी जाता था उनसे, उनकी कविता सुनता था कई दफा। और मैं क्या कहूँ इसे, अभी सिंह इसको इसको बयान करने चला जाऊंगा तो मेरा मैं कर नहीं पाऊंगा। धर्मेंद्र जी, सीता और गीता एक ऐसे फिल्म जिसको 10 बार उन्होंने देखा था, फिल्मों की भी बेहद शौकीन थे, फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए उनका योगदान किस रूप में आप देखते हैं? उन्हें बहुत जुड़े हुए थे फनोमैन लतीफा से, हमेशा उनको उनकी शायरी से पता लगता है, वो जानदार थे, उन्होंने जिंदगी जी जान से जिया है अच्छी तरह से।
और आपकी फिल्मों को लेकर कभी कोई उनकी ओर से अपनी बातें रखी गई हों, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है जब भी वो बहुत ज्यादा परेशान होते थे तो वो फिल्में देखने चले जाते थे, तो कभी आपसे आपकी किसी फिल्म को लेकर उनकी बातचीत हुई हो? नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं जब भी उनसे मिला तो मैं पता नहीं उनके ऑ में रहा हमेशा। मैं ज्यादा वही खुलकर बात करते थे, मैं ज्यादा खुलकर बात कर नहीं पाया, मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी मेरे सामने। हेमा मालिनी जी को लेकर भी एक विशेष स्नेह रहा था अटल जी का, तो हेमा जी किस तरह की बातें आपसे अटल जी को लेकर शेयर किया करती थी? ऐसा कभी हमने टोटल कोई ऐसा शेयर नहीं, बट इट वाज ए म्यूचुअल फीलिंग फॉर हिम फ्रॉम एवरी पर्सन। हम सब एक ही, मेरे ख्याल पूरी पूरी इंडस्ट्री उनसे प्यार करती थी जी, और उन्होंने हर तरफ मोहब्बत के दरवाजे खोले हैं। देखो पाकिस्तान भी गए मिलने के लिए, वो चाहते थे सब एक हो जाएं, सब मिलजुल के रहें। वो प्यार और मोहब्बत का एक मैं कहता हूँ दम थे कि देश को भी आगे बढ़ाएं और दुनिया को भी साथ जोड़ें। बहुत नेक इंसान थे और दिल वाले इंसान थे। बिल्कुल जी, एक राजनेता के तौर पर, एक महान राजनेता के तौर पर हिंदुस्तान को 3 बार उनका नेतृत्व मिला, आप किस तरह से देखते हैं उनकी जो प्रधानमंत्री काल की जो पारी थी उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए पॉलिटिक्स ऐसी चीज है ना, तो मुझे समझ आई है ना, मैं समझ सकूंगा। इसमें बहुत उलट पुलट कब क्या हो जाए कुछ समझ नहीं आता मुझे, तो वो जो भी हुआ वो उसके ना मैं उसके गहराई में गया कभी क्यों हुआ। मैं बस बतार इंसान एक इंसानियत के नाते सबसे मिलता हूँ, और वो भी एक महान इंसान थे। उनमें एक अट्रैक्शन थी अपनी, एक होता ना किसी आदमी में एक कशिश होती है अपनी कशिश, उनमें एक अपनी खास कशिश थी जो हमेशा खींचती थी। धर्मेंद्र जी आपने कहा कि राजनीति आपको कभी समझ में नहीं आई, लेकिन अटल जी आपको राजनीति में लेकर आए। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अटल बिहारी वाजपेयी लेकिन एक मंझे हुए राजनेता थे, वो किस तरह से राजनीति की बारीकियां आपको समझाया या सिखाया करते थे? नहीं, उन्होंने ये कहकर मुझे नहीं समझाया। वो जानते हैं कि धर्मेंद्र एक, मेरे बारे में आप सब भी यही जानते हैं कि मैं एक इंसान पहले हूँ, बाकी सब कुछ बाद में। बिल्कुल, उन्हें लगा कि लोग मुझे चाहते हैं, मैं जहां जहां जाऊंगा, मैं जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी मैं जीता वहां मैंने जी जान से काम किया। वो धर्मेंद्र होने के नाते ही मुझे मिला सारा कुछ, मैंने बहुत कुछ किया। और उनका पास में वो कंप्लेन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं आएंगे बीकानेर आप कंप्लेन के लिए? बोले नहीं, वहाँ हमारा धर्मेंद्र है, वहाँ मेरे जाने की जरूरत नहीं। इतना मुझे प्यार देते थे, इतना सम्मान देते थे, और मेरे दिल में उन्होंने बेपनाह मोहब्बत थी उनके लिए। जब पहली बार आपको ये पता चला कि बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो चाहते हैं कि आप राजनीति में आए, तो सबसे पहले किससे बात हुई और अटल बिहारी वाजपेयी से इस सिलसिले में कब मुलाकात हुई थी आपकी? देखिए कोई दिल्ली के थे हमारे मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि आइए, तो मैंने कहा यार मैं वहां क्या करूंगा, मैं कहते वहां मुझे आप जैसे अच्छे इंसान आएंगे तो कुछ भला होगा, तो मैंने कहा शायद मेरे जाने से भला होगा, तो इस तरह से मैं राजनीति में चला गया। पर मैं ये मेरे जैसे जज्बाती इंसानों का काम नहीं था, मुझसे हो नहीं सकता। मैं सबको बिलोंग करता हूँ, किसके लिए खड़ा हो जाऊँ किसके लिए बैठ जाऊँ मुझे आता नहीं। तो आप मुझसे मेरे बारे में आज बात कुछ पूछिए, मैं आज से सैड डे फॉर मी, आज अटल जी के गुजर जाने पर एक दुख है जी। शुक्रिया धर्मेंद्र जी, ये तमाम बड़ी बातें हमसे शेयर करने के लिए, बहुत सारी यादें जो आपसे जुड़ी हुई थी। और ये बड़ी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एम्स से पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, और यहां से अब वो सीधे पहुंचेगा 6 कृष्ण मेनन मार्ग, जहां पर तैयारियां की जा चुकी हैं, परिवार के लोगों की वहां पर मौजूदगी है। और ये तस्वीर देखिए, इसी एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। पहले शरीर पर लेपन का कार्य किया गया ताकि 2 दिनों तक उसको सुरक्षित रखा जा सके। और ये अटल निवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा, और यहां पर परिवार के साथ जो रिश्तेदार हैं वो, या फिर बीजेपी या दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए जो बड़े नेता हैं वो जाकर अंतिम दर्शन कर पाएंगे, लेकिन जो आम लोग हैं या फिर कार्यकर्ता हैं उनके दर्शन के लिए सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, जब वो अटल जी के दर्शन के लिए बीजेपी मुख्यालय जा सकेंगे।
और ये दो तस्वीरें रास्ते में है पार्थिव शरीर और अटल निवास में उनका किया जा रहा है इंतजार। नहीं रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और अपने अपने शब्दों में हम सब उन्हें याद कर रहे हैं। अमर अटल को दी जा रही है आखिरी विदाई और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से अब उनके पार्थिव शरीर को एम्स से उनके निवास स्थान ले जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। देखिए रास्ते में है अटल जी का पार्थिव शरीर, गाड़ियां निकल चुकी हैं और अटल निवास में इंतजार हो रहा है, वो निवास जहां राजनीति से संन्यास के बाद अपने आखिरी साल अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजारे। 6A कृष्ण मेनन मार्ग, हलचल आप देख सकते हैं कितनी तेज हो गई है, सुरक्षा का बंदोबस्त है क्योंकि इस बात की संभावना है पूरी पूरी कि बड़े राजनेता, मंत्री, उनके साथ काम किए हुए लोग, ये तमाम लोग अब उनके आवास पर पहुंचेंगे उन्हें अंतिम विदाई देने, उन्हें श्रद्धांजलि देने। देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, धीरे धीरे हलचल अटल निवास पर शुरू हो गई है। 6A कृष्ण मेनन मार्ग, कई लोग आपको बड़ी संख्या में वहां दिखाई दे रहे हैं और पार्थिव शरीर जो है अटल बिहारी वाजपेयी का वो निकल गया और अटल निवास में जैसे आपने एक झलक देखी लाल कृष्ण आडवाणी की, लाल कृष्ण आडवाणी जिनका 65 साल से भी ज्यादा एक तरह से जुड़ाव रहा अटल बिहारी वाजपेयी से, अटल आडवाणी ये एक नारे के रूप में इस्तेमाल होता था और बीजेपी को ऊर्जा मिलती थी। बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा जाता था कि बीजेपी में तो दो दल हैं, गरम दल और नरम दल, गरम दल को आगे बढ़ाते हैं आडवाणी, नरम दल को आगे बढ़ाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। हालांकि वाजपेयी इससे हमेशा इनकार करते रहे लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इनमें हम आपको बता दें अटल बिहारी वाजपेयी के पार्थिव शरीर को लेपन के बाद एम्स से अब ले जाया जा रहा है उनके निवास स्थान और इन तस्वीरों में आपको एक झलक मिल सकती है लाल कृष्ण आडवाणी की। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने आज ट्वीट करके अपना दुख जताया और वो एम्स में मौजूद थे, उनके दिल में क्या चल रहा होगा एक ऐसे व्यक्ति को खोने का दर्द और दुख जो राजनीति के एक लंबे कार्यकाल तक साथ साथ रहा। ये तस्वीरें 6A कृष्ण मेनन मार्ग की और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर हलचल तेज है, लोग यहां पर पहुंच गए हैं। हमने आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाई थी जहां पर अटल जी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, फूलों से उस जगह को सजाया गया है और अटल जी का पार्थिव शरीर एम्स से निकल चुका है, गाड़ियों के काफिले को आपने निकलते हुए देखा और इधर इंतजार हो रहा है जिसको अब नाम दिया गया अटल निवास का, पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को आप देख रहे हैं। इसी तरह से मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री, वो तमाम नेता जिनका एक लंबा संपर्क रहा, सानिध्य रहा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, वो सभी पहुंचेंगे आज इस वक्त अटल निवास में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुख जता चुके हैं, कह चुके हैं कि वो शून्य में है, निशब्द है, उनके लिए तो एक तरह से राजनीतिक गुरु अटल बिहारी वाजपेयी रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने का जो आमंत्रण दिया गया नरेंद्र मोदी को, मोदी कहते हैं उसके बाद से उनकी राजनीतिक यात्रा ने गति पकड़नी शुरू की और आज ये दुख का वो क्षण जब अटल जी हमारे बीच नहीं रहे। क्या आम क्या खास, हर एक के जिंदगी को अपने अंदाज से, अपने भाषणों से, अपने संबोधन से, अपनी विचारधारा से, अपने बड़े व्यक्तित्व के साथ छूने की जो एक कोशिश अटल बिहारी वाजपेयी की रही उसका अंदाजा आप उनके जाने के बाद लगा सकते हैं। तो वीवीआईपीज जो हैं उनका आना जारी, ये देखिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गमगीन हर चेहरा अनुराग ठाकुर को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पीयूष गोयल भी वहां मौजूद और बीजेपी के साथ जो नेता जुड़े रहे हैं लंबे वक्त से उनके लिए इस कमी को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। वो समझ रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जाना एक युग का, एक अध्याय के अंत होने के समान है। ये नेता और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ आप देख रहे हैं भीतर प्रवेश करते हुए सरोज पांडे को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इंतजार हो रहा है अटल बिहारी वाजपेयी के पार्थिव शरीर का और वहां किस तरह से इंतजाम चल रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं उनको अंदर पहुंचाया जा रहा है, उस जगह ले जाया जा रहा है जहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, फूलों से जिस जगह को सजाया गया है जहां पर अटल जी की पार्थिव देह को रखा जाएगा। और ये देखिए गाड़ियों का काफिला आता हुआ किस तरह से वो आप देख रहे हैं, हलचल बढ़ी हुई है।
एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं 6A कृष्णा मेनन मार्ग के ठीक पास, जहां पर अटल जी के पार्थिव शरीर को लाया जाना है। निपुण, किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? अभी हमने देखा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पहुंचे हैं अटल निवास पर। जी बिल्कुल, लगातार बड़े बड़े लोगों का आना यहाँ पर लगा हुआ है। कई राज्यों के राज्यपाल भी यहाँ पर पहुंचे हैं और तीनों सेना के जवान, वर्दी में तीनों सेना के जवान यहाँ पर जमा हुए थे घर के बाहर, और अब वो अंदर जा चुके हैं। तो साफ है कि चूंकि अटल जी भारत रत्न थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है, और ये एक गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी दिखाई पड़ रही है तीनों सेना की तरफ से। जिस वक्त उनका पार्थिव शरीर घर पर पहुंचेगा तो पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा, और यहाँ पर लगातार बड़े बड़े लोगों का आना लगा हुआ है। सब अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की यहां पर सूचना है। तो अब से कुछ देर के बाद अटल जी का पार्थिव शरीर वहां पहुंचेगा जो उनके जीवन के आखिरी 14 सालों में उनका निवास स्थान रहा। बिल्कुल, तो जिस तरह से निपुण हमें बता रहे हैं, अपने जीवन काल के आखिरी 14 साल जिसमें राजनीति से वो ज्यादातर सालों तक दूर रहे, सक्रिय राजनीति से, क्योंकि बीमार रहते थे। और ये देखिए गाड़ियों का काफिला एक तरह से हम अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। निपुण, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या अटल जी का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पहुंच गया है? जी देखिए, अभी जो साइड का गेट है, जहां पर जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, जहां से उनके शरीर के आने की सूचना है, हालांकि फ्रंट गेट से भी ऐसा किया जा सकता है, वहां पर इस तरह की कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। और मुख्य मार्ग जहां पर कि फ्रंट का गेट है, उससे करीब 150 मीटर दूर है ये जगह, तो अभी ऐसी कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। और जिस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज है यहां पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, उससे भी ऐसा नहीं लगता कि अभी पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचा है। जी, अटल जी के निवास से सीधी तस्वीरें भी निपुण हम देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक सवाल ये भी, क्योंकि आपने भी ये बताया कि अटल जी के साथ बहुत करीब से जिन लोगों ने काम किया और जो उन्हें जानते रहे हैं, वो खास लोग आज आकर अटल जी को यही निवास स्थान पर अपनी श्रद्धांजलि देंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहां आने का कार्यक्रम आज रात, कोई जानकारी है? जी देखिए, जिस तरह की जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री के यहाँ आने का कार्यक्रम है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। उनका कार्यक्रम है, कुछ राज्यों के राज्यपाल यहाँ पर पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, और सब लोग यहाँ से काफी दूरी पर, करीब 150 मीटर दूरी पर गाड़ी रोक दी जा रही है, वहां से पैदल आ रहे हैं। सिर्फ अरुण जेटली, जिनका कि स्वास्थ्य अभी बहुत खराब है, उनकी गाड़ी को सिर्फ यहां तक आने दिया गया था। तो प्रधानमंत्री के भी यहां पर आने की सूचना है, जानकारी है, और एक बार जब पार्थिव शरीर अटल जी का यहां पर पहुंच जाएगा तो उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री भी उनके आवास पर आकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जी निपुण, तो जैसा निपुण हमें बता रहे हो, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी वहां पहुंचे हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को आपने देखा, अनुराग ठाकुर को आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं। ये देखिए, ये तब की तस्वीरें हैं जब लाल कृष्ण आडवाणी अंदर गए, पीयूष गोयल को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अटल जी के पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है, और जैसा हमारे संवाददाता निपुण जो निवास स्थान पर ही मौजूद हैं उससे कुछ मीटर दूर, वो बताते हुए कि कई बड़ी हस्तियों का आना तय माना जा रहा है। आज की ही रात अटल जी के पार्थिव शरीर को जब उनके निवास स्थान पर लाया जाएगा, उसके बाद तस्वीर और ज्यादा साफ होगी कि कौन कौन यहां आएंगे। और सेना के तीनों अंग आप देख सकते हैं यहां पर मौजूद, अटल जी के घर के बाहर की ये सीधी तस्वीरें। तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न से सम्मानित, हालांकि पद से उनका कद बहुत बड़ा था, लेकिन उनका जो जुड़ाव रहा भारतीय राजनीति से और जो उनका योगदान रहा भारतीय राजनीति में, उससे देखते हुए पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई अटल जी को दी जाएगी। ये तब की तस्वीरें जब उनके साथ ही, उनके साथ कदम कदम पर आगे बढ़ने वाले और बीजेपी को बनाने और इस मुकाम तक लाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी पहुंचे यहां पर। 65 साल का, ये खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा अटल जी के जाने के बाद, कि 65 साल से लंबा अटल जी के साथ उनका एसोसिएशन रहा, जुड़ाव रहा। और आप समझ सकते हैं कि एक वक्त में जब अटल आडवाणी एरा की बात की जाती थी और बीजेपी का मतलब ही अटल आडवाणी होता था, आज इस तरह से अपने सबसे निकटतम साथी को जाते देखना कितना मुश्किल होगा आडवाणी जैसी शख्सियत के लिए भी। ये अटल बिहारी वाजपेयी के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, परिसर में गहमा गहमी है,
जितने भी लोग मौजूद हैं, चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी इंतजार कर रहे हैं अटल जी के पार्थिव शरीर का। और अटल जी का पार्थिव शरीर निकल चुका है एम्स से, किसी भी वक्त गाड़ियां पहुंचेंगी उनके निवास स्थान, जहां पहले ही अंदर तैयारियां की जा चुकी हैं। अटल जी के पार्थिव शरीर को जहां रखा जाएगा, उस सेज को फूलों से सजाया गया है। तो पहुंच रहा है पार्थिव शरीर एम्स से निकलते वक्त, गाड़ियों की ये तस्वीरें आपने देखी, एम्बुलेंस की तस्वीरें, और अटल निवास पर अब इंतजार हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी, 5 दशक तक का जबरदस्त प्रभावशाली सक्रिय राजनीतिक सफर उनका, जिसमें 10 बार लोकसभा के सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा के वो सांसद रहे, और कभी भी राजनीति के दायरों में ही बांधकर उनको नहीं देखा गया। ऐसे कई भाषण उनके रहे, ऐसे कई विचार उनके रहे जिसमें साफ दिखाई दिया कि पद से ऊंचा उनका कद था, और इसी तरह से वो अपना सार्वजनिक जीवन भी जीते आए। साहित्यकार, पत्रकार, कवि, मजे हुए राजनेता, कई ऐसे विशेषण हैं जिनसे उनको नवाजा जाता है। और यही वजह है कि उनके जाने के बाद शोक है, गम है, और ये देखिए हाथ में तिरंगा, ये तिरंगा जो कि सम्मान के तौर पर, सम्मान के प्रतीक के तौर पर अटल जी के ऊपर रखा जाएगा, इसको उनके पार्थिव शरीर के ऊपर। जैसा कि हमने आपको बताया, देश की कमान 3 बार बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने संभाली, देश को दशा और दिशा देने का काम किया उन्होंने, भारत रत्न उनको दिया गया, भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है, और किस तरह से भारत का तिरंगा जो हमारी आन बान शान है, और भारत के एक रत्न के जाने पर। और देखिए ऐसा लग रहा है हलचल से कि काफिला पहुंच गया है, जो पार्थिव शरीर है अटल जी का उनके निवास स्थान पहुंच गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अटल जी के घर के बाहर की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और अमित शाह की एक झलक आपने देखी है। देखिए अमित शाह आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, अमित शाह जो आज कई घंटों एम्स में रहे, और ये देखिए वहां मौजूद लोगों का अभिवादन वो स्वीकार करते हुए। गम का माहौल है, एक बहुत बड़ी क्षति है ये, खासतौर पर उस भारतीय जनता पार्टी के लिए जिसको कण कण से सींच कर यहां पहुंचाने में अटल जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। और आज भी पार्टी का छोटा बड़ा नेता कोई भी हो, अटल जी के बगैर कोई काम, कोई बात, कोई संदेश बीजेपी का पूरा नहीं होता। इससे आप उनकी शख्सियत का अंदाजा पार्टी के भीतर लगा सकते हैं, और देश में तो उनका कद जो है वो कहा ही जाता है कि पद से बड़ा रहा है। दरवाजा खुलता हुआ हलचल थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, मीडिया कर्मी भी आप वहां पर देख सकते हैं, सुरक्षा का इंतजाम है, और हमने आपको जैसे अभी तस्वीरें दिखाई किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो पहुंच गई, यानी अटल जी का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया है, वो घर जो वो 11 जून को छोड़कर एम्स गए थे। सबकी उम्मीद यही थी कि ठीक होकर आएंगे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि एक बुरे सपने की तरह ये खबर सच होकर सामने आ जाएगी। अमित शाह को आप देख रहे हैं, आज कई घंटे तक अमित शाह एम्स में ही मौजूद रहे, तब जबकि अटल जी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए भरकस कोशिशें डॉक्टरों द्वारा की गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर में 45 मिनट बिताकर आए थे, 16 घंटे के भीतर 2 बार पहुंचे थे वहां पर। ये तस्वीरें जो हैं ये आप देख रहे हैं, गाड़ी का दरवाजा खुलता हुआ, और देखिए वाराणसी में पूजा की जा रही है। वाराणसी में श्रद्धांजलि की ये तस्वीरें, परमात्मा में विलीन हुई आत्मा की शांति के लिए, अटल जी की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि। देखिए ये जुड़ाव, ये प्यार था अटल जी के साथ आम लोगों का, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वाराणसी में किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि वो आम लोग देख रहे हैं,
जिनमें से शायद बहुत सारे कभी मिले भी ना हो अटल जी से, लेकिन उनके व्यक्तित्व की छाप, उनका तेज और उनका प्रभाव ऐसा कि वो कई दिलों को, देश के 125 करोड़ भारतीयों को अपनी तरह से छूता है। तो अटल निवास पहुंच गया है अटल जी का गंगा सेवानिधि सचिव, दीप दान करा करके हम लोग दीप दान कराए हैं और आज की गंगा आरती करा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग सारे ऑल वर्ल्ड से जो लोग आते हैं, हिंदुस्तान के अलावा और भी कंट्री से लोग आते हैं, हम लोग 2 मिनट का हाथ जोड़कर माँ गंगा से प्रार्थना करवा रहे हैं कि अटल जी की आत्मा को शांति मिले। श्रद्धांजलि कराए, दीप दान कराए और 2 मिनट का मौन कराए हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये देश के अच्छे लीडरशिप थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और एक गतावर नेता भी थे। तो आपने सुना किस तरह से वाराणसी में आम लोग अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, और कितना गम का माहौल है, कितने दुखी हैं वो आम लोग जिन्होंने शायद कभी अपने जीवन में अटल जी को देखा नहीं होगा सीधे सामने, लेकिन उनकी कार्यशैली, उनके राजनीतिक व्यक्तित्व से प्रभावित हर कोई आज उनको याद कर रहा है। और ये तस्वीरें अटल जी के घर की आप देख रहे हैं, उनका निवास स्थान 6 कृष्णा मेनन मार्ग पर स्थित, और हलचल वहां तेज होती हुई, जैसे कि हमने आपको बताया। अटल जी के घर के बाहर की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, उनका पार्थिव शरीर एम्स से यहां पहुंच गया है। बाहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको तब दिखाई थी जब जिस जगह पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा उस जगह को फूलों से सजाया जा रहा था, और धीरे धीरे लोग वहां पहुंचने शुरू होंगे। हम आपको बता दें जो कुछ खास गणमान्य लोग वहां पहुंच गए हैं, उनमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शामिल हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद हैं, वो एम्स से अटल जी के पार्थिव शरीर के साथ ही उनके घर तक आए हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भी हमने इन तस्वीरों में देखा, और मीडिया का भी जमावड़ा, बाकायदा एक जगह शायद बनाई गई है जहां पर मीडिया अपनी माइक्स के साथ मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि अटल जी के साथ उनके कार्यकाल में या उनके राजनीतिक जीवन या उसके अलावा भी अनेक क्षेत्रों में जिन लोगों ने बड़ी करीबी निकटता के साथ काम किया, वो लोग आज यहां आकर के अपनी श्रद्धांजलि देंगे। अनिल बलूनी को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, मीडिया को मैनेज करने की यहां कोशिश करते हुए, एक जगह मीडिया कर्मी खड़े हों इसकी व्यवस्था करते हुए अटल जी के घर के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे देश की नजरें दरअसल इन तस्वीरों पर हैं। अपने एक ऐसे नेता को खोया है जो उनके लिए सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक पूरी विचारधारा थी, एक व्यक्ति नहीं एक व्यक्तित्व था, एक नाम नहीं एक विचार था। और ऐसे शख्स का जाना एक अपूर्णीय क्षति, और उसके बाद हर आंख को इंतजार आखिरी दर्शन का, एक आखिरी झलक का। अनुराग ठाकुर को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, अनुराग ठाकुर काफी पहले से ही यहां आए हुए हैं आज शाम 5:05 पर। और ये देखिए लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को आप देख पा रहे हैं, सुमित्रा महाजन भी आज एम्स में मौजूद थी, कुछ घंटे उन्होंने भी वहां पर बिताए, और उसके बाद किस तरह से उन्होंने श्रद्धांजलि दी। जब श्रद्धांजलि दे रही थी वो अटल जी को, तो उन्होंने बताया कि अटल जी हमेशा कहते थे कि टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, कोई पद नहीं मिला तो क्या हुआ, एक कार्यकर्ता का जो अधिकार आपका है क्या वो कोई आपसे छीन सकता है। और ये कहते हुए भावुक भी हुई सुमित्रा महाजन। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरक्षा चाक चौबंद, और ये कहीं ना कहीं एक सम्मान का भी प्रतीक है। आपने थोड़ी देर पहले देखा कि तिरंगा हाथ में था एक जवान के, तो ये तमाम जो प्रतीक हैं ये बताते हैं कि जो शख्सियत हमारे बीच से गई है उस शख्सियत का कद, उस शख्सियत का ओहदा, और भारतीय राजनीति में वो कितने बड़े थे। अमित शाह क्या कह रहे हैं सुनते हैं। बोलिए मत, शुरू कर रहे हैं भाई।
जरा शांति मेंटेन करें, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी टिप्पणी करेंगे, आज का शोक का दिन है, कृपया करके साथ गिर रहा है मगर। आज अटल जी के देह अवसान के साथ ही भारतीय राजनीति के आकाश का ध्रुव तारा नहीं रहा। अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके जाने के साथ ही देश ने एक अजात शत्रु राजनेता खोया है। साहित्य ने एक मूर्धन्य संवेदनशील कवि को खोया है। पत्रकारिता ने एक स्वभावगत पत्रकार को खोया है। देश की संसद ने सन 57 से संसद में गरीबों की और देश की आवाज बने हुई आवाज को खोया है। भारतीय जनसंघ से स्थापक सदस्य और भाजपा ने अपना पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष खोया है और करोड़ों युवाओं ने अपनी प्रेरणा को खोया है। अटल जी के न रहने से देश की राजनीति में जो रिक्तता खड़ी हुई है, वो रिक्तता को लंबे समय तक भरना असंभव है। अटल जी का व्यक्तित्व बहुआयामी होने के साथ साथ एक कुशल संगठक के नाते पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी की नींव को डालना और एक बीज में से वटवृक्ष बनाने तक की यात्रा को अटल जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। देशभक्ति कि जहां पर भी संसद में जरूरियात होती थी, अटल जी उसके आवाज बने। न केवल भारतीय जनता पार्टी, समूची संसद का विश्वास होता था कि अटल जी जो कहेंगे वो देश के हित में होगा। और आज मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये अपूर्णीय क्षति है, इसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती, परंतु देश के सार्वजनिक जीवन में भी अटल जी जैसे व्यक्तित्व के जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मुझे लगता है इसकी पूर्ति होना असंभव है। अटल जी ने कई सारे मौकों पर, चाहे वो इमरजेंसी के खिलाफ की लड़ाई हो, चाहे कश्मीर के लिए यूएन में आवाज बुलंद करनी हो, चाहे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बांग्लादेश की लड़ाई के वक्त स्टैंड लेना हो, चाहे हिंदी को प्रमुखता से देश में फैलाव के लिए आगे ले जाना हो, चाहे एक बैलेंस नेता के नाते समस्याओं का समाधान करने की दिशा में पूरे देश को समाधान देने हो। अटल जी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेता के नाते काम नहीं किया, सार्वजनिक जीवन के एक देशभक्त नेता के नाते पूरे देश का मार्गदर्शन किया है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के दुनिया भर में फैले करोड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से गहरे दुख की संवेदना व्यक्त करता हूं। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता संकल्पवान होते हैं,
कि अटल जी जो काम छोड़ कर गए हैं वो पार्टी के मिशन को हम आगे ले जाएंगे। मित्रों, अभी 9:30 बजे से अटल जी के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उनके निवास स्थान पर ही व्यवस्था की गई है। सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक यही निवास स्थान पर भी अटल जी के अंतिम दर्शन होंगे। 9:00 बजे उनके पार्थिव शरीर को भाजपा मुख्यालय 6A दीनदयाल मार्ग पर ले जाया जाएगा और 1:00 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और 4:00 बजे राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर उनके अंतिम संस्कार किए जाएंगे। मैं जानता हूं व्यक्ति के जाने से विचार खत्म नहीं होते, व्यक्ति के जाने से आंदोलन समाप्त नहीं होते, व्यक्ति के जाने से विचारधाराएं उनके कर्तृत्व के कारण ज्यादा दृढ़ होती है, आंदोलन और पैने होते हैं। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अटल जी के आज दुखद निधन के अवसर पर देश को आगे ले जाने के लिए पुनः एक बार संकल्पित होकर देश को आगे ले जाने का भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाएंगे, इसका मैं देश को आश्वासन देता हूं। अटल जी का परिवार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अटल जी के चाहने वाले दलों से भी ऊपर उठकर दुनिया भर में जो बिखरे हुए हैं सभी को ये दुख सहन करने की परमात्मा शक्ति दे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आप सुन रहे थे। कल दोपहर 1:00 बजे से अंतिम यात्रा निकलेगी। अमित शाह ने कहा अटल जी की 9:30 बजे से आज रात से ही अटल निवास पर अंतिम दर्शन हो पाएंगे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार भूपेंद्र यादव को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लगातार जो बड़े नेता हैं, राजनेता बीजेपी से जुड़े, वो यहां पहुंचते हुए, और जैसा कि अमित शाह ने कहा कल दोपहर 1:00 बजे अंतिम यात्रा होगी। जगदीश मुखी को आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, हर्षवर्धन को देख सकते हैं आप। तो इस तरह से शिवराज सिंह चौहान को आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल। जैसा कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा आज रात 9:30 बजे से ये दर्शन अटल निवास पर, अटल जी के अंतिम दर्शन हो पाएंगे। कल सुबह 8:30 से 8:30 के बीच भी अंतिम दर्शन होंगे और फिर उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर को, जहां दोपहर 1:00 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। 1:00 बजे से अंतिम यात्रा शुरू होगी अटल जी की और 4:00 बजे राष्ट्रीय स्मृति पर अंतिम संस्कार किया जाएगा अटल जी का। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े राजनेता जो इस बात को समझते हैं कि अटल जी के व्यक्तित्व के आगे और कुछ नहीं टिकता था। ये राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आप देख रहे हैं, इन दिनों ये गौरव यात्रा कर रही थी लगातार, लेकिन दुख की ये जो घड़ी है और ये जो क्षति हुई है उसके बाद तुरंत राजस्थान से दिल्ली आकर इस वक्त अटल निवास पर मौजूद। हर्षवर्धन, अनुराग ठाकुर, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव, थोड़ी देर पहले आपने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को देखा, यानी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आप देख पा रहे हैं यहां पर। और एक बहुत बड़ी क्षति है यह, खासतौर पर अगर पार्टी के स्तर पर बीजेपी की बात की जाए तो जैसा अमित शाह ने कहा बीज को वट वृक्ष बनाना, बीजेपी को शुरुआत कराकर एक ऐसे मुकाम पर लाना जहां पार्टी की सरकार बनी और 5 साल तक अटल जी के नेतृत्व में यह देश चला। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये अटल निवास के भीतर की तस्वीर है, यहीं पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। अटल जी के फूलों से इस जगह को सजाया जा रहा है और अंतिम विदाई की ये तैयारियां अटल जी के सम्मान में। अमित शाह ने जब मीडिया से बात की तो कहा कि किस तरह से ये एक अपूर्णीय क्षति है और बीजेपी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष अब उनके बीच नहीं रहा। और अटल जी के जो और तमाम उनके व्यक्तित्व के आयाम रहे हैं, चाहे वो एक पत्रकार का स्वरूप हो उनका या फिर एक कवि के तौर पर जो उन्होंने प्रसिद्धि बटोरी,
वो सब आज याद किए जा रहे हैं। अटल निवास से सीधी तस्वीरें और अटल निवास पर रात 9:30 बजे से दर्शन और ये आम लोगों की श्रद्धांजलि वाराणसी की ये तस्वीरें। वाराणसी जहां शाम को आरती और पूजा पाठ होता है, आप देख सकते हैं हाथ में किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लेकर, फोटो लेकर वहां पर मौजूद लोग। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को एक तरफ नेताओं की श्रद्धांजलि, दूसरी तरफ आम लोगों की श्रद्धांजलि। इससे ज्यादा किसी भी व्यक्ति या शख्सियत के बारे में कहने की क्या जरूरत है कि उनकी ऐसी अपील हो, ऐसा करिश्मा हो कि क्या आम क्या खास, सबके बीच वो एक तरह से लोकप्रिय हैं। भारत रत्न अटल जी हमारे बीच नहीं रहे। आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से बता दें आज का घटनाक्रम क्या रहा। सुबह से ही उनकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही थी, कल रात से उनकी हालत खराब हुई। आज दिन भर बुलेटिन का इंतजार होता रहा, मेडिकल बुलेटिन का। 11:15 बजे एक मेडिकल बुलेटिन एम्स की तरफ से आया जिसमें कहा गया उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। शाम होते होते जब दूसरे बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा था तब ये दुखद खबर आई कि अटल जी हमारे बीच नहीं रहे। फिर ये जानकारी मिली कि आज शाम 5:05 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। शांति शांति, कृपया ध्यान दें, गंगा सेवा निधि के तत्वाधान में नित्य होने वाली आरती। और ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची हैं। गैर एनडीए राज्यों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो इससे पहले भी जब श्रद्धांजलि दे रही थी तो बहुत स्नेह के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो उनका एसोसिएशन रहा उसे याद करती रही। ये देखिए चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5:05 पर आज शाम आखिरी सांस ली अटल जी ने एम्स में, उनका निधन हुआ एम्स में। और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को एम्स से उनके घर लाया गया अटल निवास, जहां पहले से ही तैयारियां की जा रही थी। उनके निधन की खबर मिलने के बाद अब वहां पर बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, गम का माहौल है। और दूसरी तरफ आम लोग जो भले ही आज अटल बिहारी वाजपेयी के निकट ना हो, उनके निवास स्थान पर ना हो, लेकिन जहां भी मौजूद हैं अपनी तरह से दे रहे हैं श्रद्धांजलि। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अटल जी के व्यक्तित्व का, वो अटल जो ना साथ होकर भी अमर है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है। सोचे इस बात को कि जो शख्स 10 साल तक सक्रिय राजनीति में ना रहा हो, अगर आज भी वो लोगों के मानस पटल पर उनकी स्मृति में जिंदा है और उसको श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो ऐसी शख्सियत का व्यक्तित्व कितना विशाल होगा। देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। नीतीश कुमार, सुशील मोदी पहुंचे हैं अटल निवास पर। इसी तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को आप देख रहे हैं, नितिन पटेल को आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, और भूपेंद्र यादव जो भी इस तरह से गणमान्य पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं उनको अंदर ले जाते हुए। विजय रूपाणी को आपने देखा गुजरात के मुख्यमंत्री, इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी भीतर गई हैं। सभी लोग अंदर जहां पर अटल जी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा वहां का रुख करते हुए। तो अटल निवास पर तमाम नेता आ रहे हैं। अगर आज की राजनीति आप देखें तो इतनी कड़वाहट लगती है दो पक्षों के बीच में, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके जाने के बाद आप समझ सकते हैं कि हर दल, हर पार्टी लाइन के लोग उन सब चीजों को पीछे छोड़कर आज यहां मौजूद है। और ज्यादातर लोगों से जब आप बात कर रहे हैं नेताओं में, तो उन सब के पास कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ याद करने लायक बताने के लिए है अटल जी के बारे में। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। वो आम लोग जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी में कभी सीधे तौर पर अटल जी से मुलाकात नहीं की होगी, लेकिन आज अटल जी के जाने का दुख हम सबको उतना ही है जितना नेताओं को। और इस बीच जैसे कि हमने आपको बताया, अमित शाह ने बाकायदा मीडिया से बात की और अटल जी की अंतिम यात्रा के लिए किस तरह की तैयारियां हुई हैं तमाम जानकारी दी। सुनिए। आज अटल जी के देह अवसान के साथ ही
भारतीय राजनीति के आकाश का ध्रुव तारा नहीं रहा। अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके जाने के साथ ही देश ने एक अजात शत्रु राजनेता खोया है। साहित्य ने एक मूर्धन्य संवेदनशील कवि को खोया है। पत्रकारिता ने एक स्वभावगत पत्रकार को खोया है। देश की संसद ने सन 57 से संसद में गरीबों की और देश की आवाज बने हुई आवाज को खोया है। भारतीय जनसंघ से स्थापक सदस्य और भाजपा ने अपना पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष खोया है और करोड़ों युवाओं ने अपनी प्रेरणा को खोया है। अटल जी के न रहने से देश की राजनीति में जो रिक्तता खड़ी हुई है, वो रिक्तता को लंबे समय तक भरना असंभव है। अटल जी का व्यक्तित्व बहुआयामी होने के साथ साथ एक कुशल संगठक के नाते पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी की नींव को डालना और एक बीज में से वटवृक्ष बनाने तक की यात्रा को अटल जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। देशभक्ति की जहां पर भी संसद में जरूरियात होती थी, अटल जी उसकी आवाज बने। न केवल भारतीय जनता पार्टी, समूची संसद का विश्वास होता था कि अटल जी जो कहेंगे वो देश के हित में होगा। और आज मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये अपूर्णीय क्षति है, इसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती, परंतु देश के सार्वजनिक जीवन में भी अटल जी जैसे व्यक्तित्व के जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मुझे लगता है इसकी पूर्ति होना असंभव है। अटल जी ने कई सारे मौकों पर, चाहे वो इमरजेंसी के खिलाफ की लड़ाई हो, चाहे कश्मीर के लिए यूएन में आवाज बुलंद करनी हो, चाहे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बांग्लादेश की लड़ाई के वक्त स्टैंड लेना हो, चाहे हिंदी को प्रमुखता से देश में फैलाव के लिए आगे ले जाना हो, चाहे एक बैलेंस नेता के नाते समस्याओं का समाधान करने की दिशा में पूरे देश को समाधान देने हो, अटल जी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेता के नाते काम नहीं किया, सार्वजनिक जीवन के एक देशभक्त नेता के नाते पूरे देश का मार्गदर्शन किया है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के दुनिया भर में फैले करोड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से गहरे दुख की संवेदना व्यक्त करता हूं। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता संकल्पवान होते हैं कि अटल जी जो काम छोड़ कर गए हैं वो पार्टी के मिशन को हम आगे ले जाएंगे। मित्रों, अभी 9:30 बजे से अटल जी के अंतिम दर्शन के लिए यहां पर उनके निवास स्थान पर ही व्यवस्था की गई है। सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक यही निवास स्थान पर भी अटल जी के अंतिम दर्शन होंगे। 9:00 बजे उनके पार्थिव शरीर को भाजपा मुख्यालय 6A दीनदयाल मार्ग पर ले जाया जाएगा और 1:00 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और 4:00 बजे राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर उनके अंतिम संस्कार किए जाएंगे। मैं जानता हूं व्यक्ति के जाने से
विचार खत्म नहीं होते, व्यक्ति के जाने से आंदोलन समाप्त नहीं होते, व्यक्ति के जाने से विचारधाराएं उनके कर्तृत्व के कारण ज्यादा दृढ़ होती है, आंदोलन और पैने होते हैं। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अटल जी के आज दुखद निधन के अवसर पर देश को आगे ले जाने के लिए पुनः एक बार संकल्पित होकर देश को आगे ले जाने का भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाएंगे। इसका मैं देश को आश्वासन देता हूं, अटल जी का परिवार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अटल जी के चाहने वाले दलों से भी ऊपर उठकर दुनिया भर में जो बिखरे हुए हैं सभी को ये दुख सहन करने की परमात्मा शक्ति दे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। तो अब से थोड़ी देर पहले आपने सुना जो अमित शाह ने कहा उसे, और ये कल्याण सिंह को भी आप देख पा रहे हैं जो कि पहुंचे हैं, व्हीलचेयर में हैं, लेकिन ये मौका ऐसा है जब अटल जी को श्रद्धांजलि देने और अपनी तरफ से आखिरी विदाई देने कल्याण सिंह भी पहुंचे हैं यहां पर। तो अटल निवास पहुंच गया है अटल जी का पार्थिव शरीर, और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं वो तमाम नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का हिस्सा हो, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री ने देख पा रहे हैं, चाहे ये लोग हों या फिर अटल जी के साथ वो तमाम वरिष्ठ नेता जिनका लंबा एसोसिएशन रहा, लालकृष्ण आडवाणी हो, अभी कल्याण सिंह को आपने भीतर जाते हुए देखा, ये तमाम लोग वहां मौजूद हैं और पूरी व्यवस्था का एक तरह से जायजा लेते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को भी आप देख रहे हैं, वो अटल जी के पार्थिव शरीर के साथ एम्स से उनके निवास स्थान पहुंचे। से कुछ वक्त पहले की ये तस्वीरें हैं, वसुंधरा राजे को आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। तो दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ नेताओं की श्रद्धांजलि जो कि अटल निवास पर अटल जी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, और दूसरी तरफ आम लोग अपनी अपनी तरह से अटल जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मिदनापुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अटल जी के की फोटो के साथ, और हाथों में मोमबत्ती लिए परमात्मा में विलीन हुई आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते ये आम लोग। लेकिन जिस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है वो अटल बिहारी वाजपेयी कितना बड़ा व्यक्तित्व रखते थे और कहां तक उनका प्रभाव था ये आज शायद सही मायनों में पता चल रहा है। नेताओं की श्रद्धांजलि और आम लोगों की भी श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को। और जैसा कि अमित शाह ने कहा कि जो कार्यक्रम रहने वाला है उसके मुताबिक अटल जी को आखिरी विदाई देते हुए आज रात 9:30 बजे से ही उनके निवास स्थान पर उनको आखिरी बार देखने का और श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका होगा। कल सुबह 7:30 से 8:30 के बीच भी अटल निवास पर ही अटल जी के आखिरी दर्शन किए जा सकेंगे, और फिर 9 बजे उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी मुख्यालय लाया जाएगा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, वहां पर दोपहर 1 बजे तक उनके अंतिम दर्शन हो पाएंगे, फिर 1 बजे आखिरी यात्रा अटल जी की निकलेगी और 4 बजे राष्ट्रीय स्मृति पर अंतिम संस्कार होगा अटल बिहारी वाजपेयी का। तो नेताओं की श्रद्धांजलि में आप देख रहे हैं मोदी सरकार के मंत्री मौजूद हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर आए हैं, कार्यकर्ता, नेता, संगठन कर्मी सभी यहां पर मौजूद हैं उस शख्स को विदाई देने के लिए जिसने इस पार्टी को बनाकर एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया, और आज बहुत लोग चाहे वो कितने भी खास हों अटल जी का उनको राजनीति में इस शिखर तक पहुंचाने में क्या योगदान रहा इसका जिक्र करना नहीं भूलते। कुछ देर पहले योगगुरु बाबा रामदेव भी यहां पहुंचे, वो भी तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। लेकिन आज बहुत दुख का दिन, अटल जी की सेहत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन सबको उम्मीद यही थी कि जिस तरह वो अपनी कविताओं में लिखते थे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, मौत से ठन गई है, शायद मौत को पराजित कर कुछ सुधार उनकी सेहत में होगा, ऐसा हुआ नहीं। और अटल जी तो अटल जी को ये श्रद्धांजलि नेताओं की और आम लोगों की रात 9:30 बजे से, यानी तकरीबन 1 घंटे बाद या 1 घंटे से भी कम का वक्त है जब ये कहा जा रहा है कि दर्शन जो होंगे अटल जी के वो किए जा सकेंगे, और कई खास लोग वहां पहुंच चुके हैं, आप देख भी पा रहे हैं उन्हें तस्वीरों में, गम का माहौल है और एक अध्याय एक तरह से खत्म हुआ है, एक अध्याय का अंत हुआ है। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है, मौत से ठन गई,
जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, नापनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। तो अटल जी की ये अमर आवाज, और जैसा हमने आपको कहा, सक्रिय राजनीति से 10 साल दूर रहने के बावजूद जो उनकी अटल वाणी थी वो लोगों की संवेदनाओं को झकझोरने का मादा रखती थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक ऐसे राजनेता और एक ऐसी शख्सियत थे जिनसे प्रेरणा लेकर लोग अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाते थे। नेताओं की श्रद्धांजलि, आम लोगों की श्रद्धांजलि भारत रत्न अटल जी के लिए। और रात 9:30 बजे से अटल निवास की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर लगातार नेताओं का आना जारी है, जमावड़ा लग रहा है उन तमाम लोगों का जिन्होंने अटल जी के साथ कभी ना कभी उनके सानिध्य में काम किया, वो यहां अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। और कल का कार्यक्रम ये रहेगा कि सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक यहीं अटल निवास पर अटल जी के अंतिम दर्शन हो पाएंगे। फिर 9 बजे बीजेपी मुख्यालय पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां 1:00 बजे तक उनके दर्शन किए जा सकेंगे। 1 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और 4:00 बजे अंतिम संस्कार। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये मनोहर लाल खट्टर को आप देख रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने अटल जी को। गांव का माहौल है और एक ऐसी क्षति, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज की राजनीति में मिल पाना बहुत मुश्किल है, आज उन्हें अंतिम विदाई देने उन्हीं के निवास स्थान पर मौजूद हैं बीजेपी के तमाम बड़े और कद्दावर नेता। ऐसे कई नेता जो जानते हैं कि राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते हुए अटल जी ने कैसे उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें क्या कुछ राजनीति की बारीकियां समझाई, किस तरह से उनका मार्गदर्शन किया, और आज वही मार्गदर्शक उनके बीच नहीं है। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि वो नहीं है, लेकिन उनके विचार हमेशा जिंदा रहेंगे और आंदोलन को बल देते रहेंगे। नेताओं की श्रद्धांजलि, कल 4:00 बजे अंतिम संस्कार। ये अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं अटल निवास की, और यहीं पर पार्थिव देह को रखा जाएगा अटल जी की, जिसे फूलों से सजाया गया है। 14 साल तक अपने जीवन काल के आखिरी 14 साल इसी घर में बिताए अटल जी ने, और जो आखिर का उनका समय रहा वो शारीरिक तौर पर कष्टदायक उनके लिए था। तबीयत बहुत खराब रहती थी, इस वजह से अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। एम्स में 11 जून से भर्ती हुए और आज खबर आई उनके जाने की। ये देखिए किस तरह से नेता लगातार वहां पहुंच रहे हैं, और ये सूची बहुत ही लंबी है, इसका शायद कोई अंत ना हो। इतने लोगों को प्रभावित किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, और किसी ना किसी तरह से अटल जी से लोगों का नाता रहा। उनके आलोचक भी कहते हैं कि वो आलोचना करने के बावजूद कहीं ना कहीं अटल जी से प्रभावित होते थे। और आम लोगों की श्रद्धांजलि भी आप देख रहे हैं। अब याद कीजिए आज दोपहर जो तस्वीरें हम और आप देख रहे थे वो भी कुछ ऐसी ही थी। पूजा हो रही थी, मंत्रोच्चारण हो रहा था, यज्ञ हो रहा था, पर तब ये उम्मीद थी कि अटल जी बच जाएंगे, कि उनकी सेहत में सुधार होगा, और तब उनके स्वास्थ्य कामना के लिए प्रार्थनाएं हो रही थी। और अब परमात्मा से प्रार्थना उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए कल 4:00 बजे अंतिम संस्कार होगा राष्ट्रीय स्मृति पर। उससे पहले 1:00 बजे तक अटल जी के दर्शन होंगे।
बीजेपी मुख्यालय पर सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक तो अटल निवास पर ही दर्शन हो पाएंगे उनके, और फिर दोपहर 1 बजे के बाद अटल जी की अंतिम यात्रा। एक बड़ा शून्य जो भारतीय राजनीति में अटल जी के जैसे व्यक्तित्व के जाने के बाद हुआ है, क्योंकि आप किसी से भी पूछें, और आज दिन भर जिन लोगों से बातचीत हुई, जिन लोगों को, जिन नेताओं को हमने सुना, उन सभी ने एक बात कही कि उनके अंदर वो कला थी, वो शैली थी कि विरोधी पार्टियों के नेताओं को भी वो कहीं ना कहीं प्रभावित करते थे, विरोधी भी